हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप एक ग्लास पानी का पीजिए जिसमें काफी सारे बैक्टीरिया हो, तो आप पानी वो पानी पियोगे? ऑब्वियसली नहीं पियोगे, आई थिंक सो, तो नहीं पियोगे। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि एक ग्लास जिसमें बेसिकली वे है, मतलब छाछ है, मतलब ताक है, जिसे हम कहते हैं बटर मिल्क, वो पियो, तो आप पियोगे? यस, आप पी लोगे। यस, इस चीज से आपने कुछ कंक्लूजन समझा? क्या है इसमें कंक्लूजन? बेसिकली जिस जो पानी में आपको ऑफर कर रहा था कि आप वो पानी पियो, उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो इसके लिए आपने वो पानी पीने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया है। लेकिन आपको पता है कि सभी बैक्टीरिया बुरे ही नहीं होते हैं। ऑल द बैक्टीरियाज आर नॉट डेंजरस। सम बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सम बैक्टीरिया ऑल्सो बूस्ट यूर इम्यूनिटी, एंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स मीन्स अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमारे फायदे में। तो बैक्टीरिया का, फंजाय का हमारे लाइफ में क्या रोल है, हमारे लाइफ में एडवांटेजियस रोल क्या है, वो हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी, और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज हम इस टॉपिक में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचते रहे। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई। लेट्स स्टार्ट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट एज वेल एज एमएससीटी, बट स्पेशली फॉर द नीट, बिकॉज दिस इज फुल्ली एनसीईआरटी कंटेंट। रिमेंबर गाइस, बिसाइड द मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल को अगर छोड़ दें तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो है माइक्रोब्स। वो है माइक्रोब, एंड स्पेशली द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया। यू नो बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। बैक्टीरिया बेसिकली बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा अकॉर्डिंग टू द आर एच विटेकर, एंड किंगडम मोनेरा आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये वो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ना ही तो न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, और ये काफी छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जब भी हमारे सामने बैक्टीरिया नाम का जो वर्ड आता है, तो हमारे सामने काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। बैक्टीरिया, we feel, we fear, we get panic that this is bacteria, and when the word bacteria comes, we feel, you can say something a problematic, we feel that we will suffer from disease. जब bacteria हम सुनते तो हमें लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, but no, all bacteria are not, you can say problematic. Bacteria are almost divided into two category. One is pathogenic bacteria, and second one is you can say normal flora. Yes, what is pathogenic bacteria? The bacteria which causes diseases to human being, they are called pathogenic bacteria. मतलब जिन बैक्टीरिया से हमें diseases होती हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं pathogenic bacteria. I'll tell you Salmonella typhi, which causes typhoid disease. Yes. Proteus vulgaris, which causes some urinary tract infection, UTI infections. Neisseria gonorrhoeae, which causes gonorrhea. Neisseria meningococci, which causes meningitis in the brain, etc., etc. ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी बॉडी में डिसीजेस कोज करते हैं, तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में इंफेक्शन नहीं करते, बल्कि वो हमारे लिए क्या होते हैं? वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। द बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम बेनिफिशियल एक्टिविटी, बेनिफिशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल, लाइक साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड,
एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक, सिरप, ऑइंटमेंट, क्रीम, एंजाइम्स, नाउअडेज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया. यू नो दुनिया में इतने सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को मार्केट में कौन सी चीज लेनी पड़ती है मार्केट से? आइदर मेडिसिन और आइदर इंसुलिन. एंड नाउअडेज इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड इकोलाई. एंड वन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को स्टडी करो तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मतलब क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूज ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. यस, लाइक खमन, ढोकला, जलेबी, पिकल्स, कर्ड, वे, चीज, दे आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, इवन दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ अ वॉटर, ट्रीटमेंट ऑफ अ सीवेज वॉटर, माइक्रोब्स आर नाउअडेज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ बायोगैस, which is an alternative, you can say fuel, again fuel which can be replaced to the diesel and petrol also. Diesel और petrol को replace करने एक best alternative option है हमारे पास, वो है biogas. Biogas में pseudomonas जैसे bacteria produce करते हैं. Plant में सबसे ज्यादा infection cause करते हैं worms. तो worms को kill करने के लिए, insect को kill करने के लिए, pest को kill करने के लिए Bacillus thuringiensis नाम के bacteria है, और ये bacteria भी basically माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए, बिकॉज प्लांट अगर इंसेक्ट पेस्ट इनसे बचे रहते हैं तो वो हमारे लिए फायदेकारक है. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. मैं कुछ इंट्रोडक्शन, आधा इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर देता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. तो आइए चलिए देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो जैसे आप इस डायग्राम देख रहे हो, दिस ए डायग्राम इज शोइंग presence of rod shaped bacteria which is also known as the bacilli. Single bacterium is called bacillus, plural is called bacilli, and this bacteria is observed under compound microscope at a 1500 magnification. मतलब ये जो bacilli shaped bacteria है, rod shaped bacteria, इनको 1500 times zoom करके देखा गया हुआ है. और ये जो coca shaped bacteria spherical बैक्टीरिया, सर्कुलर बैक्टीरिया, इनको भी 1500 टाइम जूम करके देखा हुआ है. तो 1500 टाइम जूम कैसे करते हैं, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ. जब हम माइक्रोस्कोप में ऊपर आईपीस 15x यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव 100x यूज करते हैं, सो 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500, तो ये 1500 टाइम जूम करके देखा हुआ है. तो मतलब ये बैक्टीरिया 1500 टाइम मैग्निफाई किए हुए हैं और वो ऐसे दिखते हैं. ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया जनरली इकोलाई होते हैं, प्रोटीयस होते हैं, काफी बैक्टीरिया होते हैं. एंड सर्कुलर बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, काफी सारे होते हैं वैसे ये भी. एंड सी डायग्राम, दिस इज अ रोड शेप बैक्टीरियम शोइंग द फ्लाजेला. सिंगुलर इज कॉल्ड फ्लाजेला एंड प्लूरल इज कॉल्ड फ्लाजेला. आई एम श्योर दैट दिस फ्लाजेला, this is not observed under normal compound microscope because it is magnified at a 50,000 magnification. और 50,000 magnification normal microscope में available नहीं होगा, ये advanced microscope में ही available होगा. This diagram, this A diagram is showing bacterial colony on a petri dish. When we are growing the bacteria in a microbiology laboratory, we have to grow the bacteria in a petri dish which contain nutrient medium. And this dot white color dots are colonies of bacteria. When several bacteria are uniting with each other, they are making a colony like this. This is a green colored colony of a fungi, fungal colony. This is a diagram of a bacteriophage, a type of a virus which attack on bacteria. They are called bacteriophage. And this one is an adenovirus which causes some respiratory infection in human and animal. And this one is a Tobacco mosaic virus magnified at 1,00,000 to 1,50,000x, and I'm sure that this must be diagram from the electron microscope because electron microscope 1,00,000 to 1,50,000 तक magnify कर सकता है. So these are the diagrams of some bacteria and viruses. Almost nearby viruses are dangerous to the health, but around 95% bacteria are good to the human. They are either industrially important or either they are increasing our immunity.
However, they are important. Some bacterias are used in, you can say, water treatment. Some are used as a biocontrol agent. Some are used as a nitrogen fixation. But only 5% bacterias are dangerous. So, as I taught you this point in an introduction topic. Hello friends, so now we are going to learn about use of microbes in common household production. You know that every mother is considered as a best microbiologist. Every mother is considered as a best microbiologist. I'll tell you. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी मदर बेसिकली हमें मिल्क देती है, टीथ ब्रश करने को कहती है, फिर हमें ब्रेकफास्ट देती है वो भी गरम गरम, खाना देती है वो भी गरम गरम, जितना भी पूरे दिन में मॉर्निंग से इवनिंग तक हमारी मदर प्रोसेस करती है वो सब बेसिकली फ्रेश होता है, ठीक है। तो हमारी मदर एज अ बेस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन के हमारी केयर करती है, ठीक है। मदर को पता नहीं कि शी इज अ बेस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमारे घर में ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्शन कहलाए जाते हैं और वो एक ही प्रोसेस से बनते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। आई टेल यू, खमन, ढोकला, जलेबी, डोसा, पिकल्स, कर्ड, चीज, वे, ऑल दीज आर फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट डज इट मीन बाय फर्मेंटेशन। So, can you tell me, if you know the definition, just put it in a comment section below. So, I'll tell you what is fermentation. Fermentation is, it is a biochemical process in which substrates are also known as a raw material. Substrate or raw material converted to product by microbial enzymes, it is called fermentation. अब आप ये देखिए, definition सुनिए। It is a biochemical process in which substrate or raw material, हम जो भी use करते हैं raw material, उसे हम कहेंगे substrate या raw material, converted into product by use of microbial enzyme. हम जो भी substrate use करते हैं उसका conversion हो जाता है product में by use of microorganism, microbial enzyme. एक example देता हूं मैं, like जैसे हम बेसिकली मार्केट में से मिल्क परचेस करते हैं या तो हमारे घर में मिल्क वाले मिल्क देने आते हैं, तो जैसे हम मिल्क लेते हैं फिर मिल्क को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जैसे मिल्क ठंडा हो जाता है हम उसमें एक हाफ टेबल स्पून कर्ड ऐड कर देते हैं। एक ग्लास में मिल्क लेके अगर हम उसमें कर्ड ऐड कर देते तो क्या होता है, कर्ड के अंदर जो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस के नाम से पहचानते हैं, वो बैक्टीरिया मिल्क में, मिल्क का जो शुगर होता है लैक्टोज, उसे यूज करते हैं, उसे खाते हैं स्पेशली, और उसे यूटिलाइज करने के बाद उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होता है, मिल्क का, पूरे मिल्क का कन्वर्जन किस में हो जाता है, कर्ड में हो जाता है। तो अगर इस प्रोसेस को नियर अबाउट 10-12 घंटे लगते हैं और 10-12 घंटों में पूरे एक ग्लास मिल्क का कन्वर्जन एक ग्लास कर्ड में हो जाता है। दिस प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड फर्मेंटेशन। यस, आई गिव यू सम एग्जांपल्स। पहले हम यही एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। लाइक अ मिल्क इज रॉ मटेरियल, मिल्क इज कंसिडर एज रॉ मटेरियल एंड वी आर यूजिंग माइक्रोब्स एंड द माइक्रोब्स आर लैब, लैब स्टैंड फॉर लैक्टिक acid bacteria, and examples of lactic acid bacteria are lactobacilli, and they produce product as a curd. So curd is act as a product. See now, अब आप इस definition को यहाँ पे match कीजिए। It is a fermentation is a biochemical process in which substrate or raw material, here our raw material is milk,
converted into product. Our product is a curd by microbial enzyme. And which microbes we have used in this process? Lactobacilli. Actually, lactobacilli eat the lactose sugar from milk. Lactobacilli eat lactose sugar from milk. And what happened? It produces lactic acid. Now just imagine, what is the taste of milk? Obviously the taste of milk is a sweet. But what is the taste of a curd? The taste of curd is a sour. Why it happened? Lactic acid bacteria means lactobacilli eat the sugar from the lactose sugar from the milk, and in response it produces waste material. That waste material is a lactic acid. Lactic acid enter into the milk and milk basically turn into the curd. What happened basically? Lactic acid coagulate milk and produce curd. अब आप ये दो चीजें ध्यान देखिए, ये नीट में आने जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ कर्ड इज प्रोड्यूस. सो कर्ड इज प्रोड्यूस बाय लैक्टिक एसिड कोएगुलेट मिल्क एंड प्रोड्यूस कर्ड. अगर आप मिल्क के अंदर लेमन के कुछ ड्रॉप्स डालते हो तो मिल्क मिल्क में जो बेसिकली थिक पार्ट होता है प्रोटीन का हो या फैट का हो वो कोएगुलेट होता है. सेम वे मिल्क में जब हम लैक्टिक एसिड ऐड करते हैं, कौन लैक्टिक एसिड ऐड करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसका कन्वर्जन किसमें हो जाता है? कर्ड. Yes, ये हुआ फर्स्ट वन एग्जाम्पल. अब मैं आपको कुछ और एक एग्जाम्पल बता रहा हूं. यस, लाइक डफ ऑफ इडली एंड डफ ऑफ इडली एंड डोसा आर ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. अब आप ये सोचिए कि हम जो इडली खाते हैं या तो हम डोसा खाते हैं तो उसका जो डफ होता है, डफ मतलब आटा. यस, तो इडली एंड यू कैन से डोसा'स डफ इज आल्सो मेड बाय द बैक्टीरिया. देन हाउ कैन यू डायरेक्टली से दैट बैक्टीरिया इज अ प्रॉब्लमेटिक टू अस? नो, हम दिन भर में जितने भी प्रोडक्ट, सी इन समर सीजन इन अवर डेली रूटीन लाइफ वी आर ईटिंग यू कैन से कर्ड, वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग अ बटर मिल्क, वी आर ऑल्सो ईटिंग अ चीज, पनीर, खोया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डफ डफ ऑफ इडली एंड डोसा आर ऑल्सो मेड बाई द फर्मेंटेशन प्रोसेस, आर ऑल्सो मेड बाई द बैक्टेरिया. सो ऑल बैक्टेरियाज आर नॉट पैथोजेनिक. इफ आई टेल यू लिटरली 4-5% बैक्टेरियाज आर पैथोजेनिक, मतलब दुनिया के सिर्फ 4-5% बैक्टेरिया डिसीज कोस करते हैं, बाकी सब बैक्टेरिया इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट बैक्टेरिया है. यस, ये सेकंड हुआ. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल आई टेल यू बेसिकली आई टेल यू अबाउट द चीज. सो लेट मी यूज अनदर कलर सो दैट यू कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय सेपरेशन. जस्ट सी, फॉर द मेकिंग ऑफ चीज ऑल्सो वी रिक्वायर द मिल्क एज अ रॉ मटेरियल. सो मिल्क इज एक्ट एज अ रॉ मटेरियल एंड we are using bacteria called Propionibacterium Shermani. Propionibacterium Shermani is a name of bacteria which produce cheese, which produces cheese. Remember, milk is a raw material. Here also milk is raw material, but product is a curd. Here product is a cheese. Milk is a raw material. When we are making a curd, lactobacilli bacteria eat the lactose sugar. But when we are using milk as a raw material for making a cheese, we are replacing lactobacilli by which bacteria? Propionibacterium Shermani. On self, this name bacteria says that these bacteria are not eating a sugar, these bacteria are eating milk protein. So what is the name of milk protein? The name of milk protein is casein. तो होता क्या है,
जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टो शुगर खाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कर्ड, मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड, और उससे क्या बनता है, कर्ड। सेम वे प्रोकियोलिबैक्टीरियम शर्मानी ये मिल्क में से लैक्टो शुगर नहीं खाते, ये मिल्क में से कैसेन प्रोटीन खाते हैं, और कैसेन प्रोटीन खाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, चीज प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज याद रखिए, कर्ड में विटामिन B12 भी होता है, और विटामिन B12 बेसिकली न्यूट्रिशनल फूड क्वालिटी को इंप्रूव करता है। व्हाट इज विटामिन B12? विटामिन B12 इज जनरली फाउंड इन द कर्ड, विच कैन ऑल्सो इंक्रीज एज न्यूट्रिशनली फूड क्वालिटी ऑल्सो ऑफ अ कर्ड। अगर हम कर्ड लैक्टोबैसिलस से बने हुए खाते हैं तो बेसिकली हमारे अंदर विटामिन B12 की क्वालिटी भी बढ़ती है, और विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्टमक, फॉर अवर इंटेस्टिनल वर्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग दिस? ये तीन एग्जांपल हुए, मैं आपको और दो तीन एग्जांपल बताता हूं। एंड ऑल दीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। Fourth example is, you can say, Roquefort is a type of cheese. देखिए भाई Roquefort क्या होता है? Roquefort is a type of a cheese, which is basically fermented by growing a specific fungi on it. मतलब होता क्या है? रॉकफोर्ट एक प्रकार की चीज होती है, ये नॉर्मल चीज होती है एक्चुअली, लेकिन उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का फंगस ग्रो किया जाता है, और वो फंगस रॉकफोर्ट चीज के अंदर इतना फ्लेवर, इतना टेस्ट और न्यूट्रिशनल क्वालिटी इसकी उसकी इतनी बढ़ा देता है, इसके कारण रॉकफोर्ट जो चीज है वो काफी कॉस्टली होता है कंपेयर टू द नॉर्मल, यू कैन से स्विस चीज, ब्राउन चीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग? Swiss cheese, brown cheese are not that much costly as compared to the Roquefort, because Roquefort is a type of a cheese which is specially prepared by growing some specific type of a fungi on that, which increases nutritional quality, fragrance and taste, and you can say flavor of, you can say this cheese. I'll tell you fifth example. What is toddy? Have you heard this toddy in your life? So that means we toddy. Toddy is basically South Indian drink. Toddy is one kind of a South Indian drink which is fermented from sap of palm plant. तो ये जो पाम प्लांट होते हैं, पाम प्लांट के सैप को फर्मेंट करके ये टोडी बनाया जाता है। अभी सैप का मतलब क्या होता है? सैप मींस वाटर प्लस मिनरल। सो सिंपली पाम प्लांट के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन की मदद से टोडी नाम का एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाई जाती है, जो साउदर्न इंडिया में काफी सारी फेमस है, काफी फेमस है। इवन दो माइक्रोब्स इन कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड मशरूम। How mushroom? I'll tell you. See, have you saw the basic shape of a mushroom? Mushrooms are generally growing in a, especially rainy season, they are growing very faster. And in another season, if you wanted to cultivate the mushroom, you have to provide the environment where there is a too much humidity is there. अगर आपको समर में मशरूम को ग्रो करना है तो आपको एयर कंडीशन जैसा ह्यूमिड एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन बारिश के दिनों में मशरूम इजीली ग्रो होते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। यस, मशरूम हैज अ थ्री पार्ट। दिस इज कॉल्ड पिलस, दिस वन इज कॉल्ड गिल्स, एंड दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल। मशरूम कंटेन मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड
minerals and mushroom contain less amount of carbohydrates and fat. See, mushroom has a too much amount of a protein, vitamin and mineral. This is needed by every people. And mushroom contain very less amount of carbohydrate and fat. If carbohydrate is less in a mushroom, then this food is very important for the diabetic patient. And if fat is also less in the mushroom, then this food is also good for the heart related diseases patient. So heart se related patient jo hai, डायबिटीज से रिलेटेड जो पेशेंट है उनके लिए मशरूम काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मशरूम में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल होते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और ये हमारे लिए काफी फायदेकारक है। लेकिन मशरूम में कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट और फैट देखें तो काफी ट्रेस अमाउंट में होता है। ट्रेस अमाउंट मतलब नहीं के बराबर। यस, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट यू कैन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन बाय यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, पफ अप एपीरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रेड फर्मेंटेशन। ब्रेड फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, एंड यीस्ट इज ऑल्सो नोन एज, साइंटिफिकल नेम ऑफ यीस्ट इज सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस cerevisiae. Sorry for inconvenience in writing this technique. See, kya hota hai? Puff of appearance of duff during CO2 is due to CO2 production during fermentation of a bread by use of Saccharomyces cerevisiae. आपने ये देखा होगा, जब भी मैदे में से ब्रेड बनाई जाती है तो हम जब मार्केट में ब्रेड खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उस ब्रेड में छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो वो होल्स क्यों होते हैं? वो होल्स एक्चुअली CO2 इंडिकेट करते हैं। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं ब्रेड का, तो मैदे में हम पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद वो डफ बन जाता है। डफ के अंदर यीस्ट ऐड करते हैं और उस यीस्ट को मतलब उस डफ को बेसिकली जो ब्रेड बनाने की भट्टी होती है, या तो हम साइंटिफिकली कहें ओवन, ओवन के अंदर जब हम रखते हैं तो यीस्ट जैसे हीट होती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं तो उस ब्रेड में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही बेकरी के काफी प्रोडक्ट होते हैं, टोस्ट होते हैं, बटर होते हैं, जिनके अंदर ब्रेड होते हैं, जिनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स क्या इंडिकेट करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ अ ब्रेड बाय यूजिंग वन कॉमन फेमस ऑर्गेनिज्म। द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ यीस्ट। Scientific name of this organism is a Saccharomyces cerevisiae. So these are some common household products produced by microbes by the process of fermentation. Thank you so much for watching this video. It is first point of our chapter, microbes in common household production. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ microbes in industrial production. तो चलिए देखते हैं, start करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं चीज बता दूं, ऑल द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया है, एक बार फिर से बता देता हूं क्या होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सट्रेट का कन्वर्जन, मतलब रॉ मटेरियल का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है By use of microorganism. Yes, एक example में बताता हूं आपको। मान लो हमारे पास milk है, ठीक है, और milk में हम curd add करते हैं, छोटा सा एक glass milk में एक चम्मच हम curd add कर देते हैं। तो curd में जो lactic acid bacteria है वो milk के अंदर का lactose खा जाएंगे और क्या produce करेंगे? Lactic acid, और उसके कारण उसका conversion किस में हो जाएगा? Curd में हो जाएगा। तो ये होता है fermentation process. फर्मेंटेशन प्रोसेस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट मीन्स रॉ मटेरियल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सच एज अ
substrate raw material get converted into product with the help of microbial enzyme. I'll give you one common example. Like a milk is a raw material. Like suppose if you take one glass of milk and take a one tablespoon of a curd and put it into the milk. So the one tablespoon of a curd have a millions of lactic acid bacteria. This bacteria eat the lactose sugar from the glass of milk and they produces lactic acid. Therefore, milk due to the presence of lactic acid converted into products such as a curd. This process is called fermentation. There are so many fermented products which are produced by fermentation process. I'll tell you one common example. Like, imagine this one is called fermenter, and fermenter is also known as bioreactor. What does it mean by fermenter? क्या होता है fermenter? Fermenter एक ऐसा instrument होता है जिसके अंदर fermentation नाम की process होती है. Fermentation किस किस का होता है? Fermentation can be done related to beverages, related to organic, related to organic acid, related to hormones, related to antibiotics, related to enzyme, it is also related to dairy product. So इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट की फर्मेंटेशन होती है? इन सब की होती है. बेवरेजेस मीन्स अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक एसिड लाइक ग्लूकोनिक एसिड, यू कैन से साइट्रिक एसिड, एस्पार्जिनिक एसिड एक्सेट्रा. हार्मोन, यू कैन से प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सच एज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंटीबायोटिक, वर्ल्ड वाइड नाउअडेज मेडिसिन आर प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस ओनली. Enzymes, invertinase, pectinase, libertinase, gluconase, etc. Dairy product, curd, whey, buttermilk, cheese, etc. etc. They all are fermented product. तो ये जितने भी product है आजकल fermentation process से ही बनते हैं. मैं आपको एक example देके बता रहा हूँ. Like a sugar cane. Yes, sugar cane are useful for making a sugar. Yes, means सुक्रोस, करेक्ट. शुगर केन में से क्या बनाया जाता है? सुक्रोस. और सुक्रोस बनाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है वो होता है मोलेसेस. तो मोलेसेस को फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है और उसके साथ क्या ऐड किया जाता है उसमें? यीस्ट. साइंटिफिक नेम इज सैकेरोमाइसेस सेरेविसी. Yeast is also known as a baker's yeast because all the bakery products are almost produced by yeast. And the scientific name of yeast is a Saccharomyces cerevisiae. Now, this Saccharomyces cerevisiae, a type of a unicellular fungi, will eat the molasses from sugarcane and will produce product as alcohol. So this is by which process? This is by the fermentation process. तो ये जितने भी examples हैं वो सभी के सभी एक ही process से बनते हैं और वो process होती है fermentation. सिर्फ difference क्या हो जाता है? जैसे हमें alcohol produce करना है तो हमें raw material या तो हम molasses लेंगे, wine produce करना है तो हम grape juice लेंगे. Yes, so ऐसे raw material बदलता है. लेकिन अगर alcohol produce करना है तो organism यही रहेंगे, most probably yeast. ऑर्गेनिक एसिड के लिए ऑर्गेनिज्म और अलग लगेंगे और ऐसे ही सभी के लिए ऑर्गेनिज्म और रॉ मटेरियल अलग अलग यूज होंगे. इट इज नॉट कंपलसरी दैट ऑल द फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम ऑर्गेनिज्म और सेम रॉ मटेरियल. फॉर एवरी डिफरेंट प्रोडक्ट वी हैव डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वी हैव अ डिफरेंट रॉ मटेरियल. लाइक एवरी डे वी आर नॉट यूजिंग अ सेम फूड मटेरियल ना. यस, और सभी लोग वेजिटेरियन है ये भी नहीं, सभी लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है. कोई मिक्स है, कोई सिंपल सिर्फ वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज ज्यादा प्रेफर करता है. सेम वे लॉजिकली हमारे ह्यूमन बींग में फ्लेवर है, ऐसे ही सभी प्रोडक्ट अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं.
कौन से बैक्टीरिया कौन सा प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, वो हम बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने हैं वन बाय वन। मैं आपको प्रोडक्ट के नाम और उनके बैक्टीरिया और फंजाई जो भी हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ा दिया। तो अभी मैंने सोचा कि आपको माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाऊं। तो ये वाले कुछ एग्जांपल्स हैं। सी, देर आर सो मेनी बैक्टीरिया विच कैन डू फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट लाइक अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन, विटामिन, हार्मोन्स, एग्जाम्पल जिबरलिन, एंजाइम एंड एंटीबायोटिक्स। सो लेट्स लुक देम वन बाय वन। फर्स्ट, अल्कोहलिक बेवरेजेस। ऑल द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, आइदर यू कैन से वाइन, बियर, रम, विस्की, यू कैन से शैम्पियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यीस्ट और बेकर्स यीस्ट। ओके, यीस्ट और ऑल्सो नोन एज अ बेकर्स यीस्ट। देन मूविंग टूवर्ड्स दिस सेकंड, ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन। वॉट आर द ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन? ऑर्गेनिक एसिड फर्मेंटेशन, देर आर सो मेनी ऑर्गेनिक एसिड विच आर प्रोड्यूस बाई द फर्मेंटेशन प्रोसेस, लाइक सम ऑफ देम एग्जाम्पल्स आर गिवन फ्रंट ऑफ यू। साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम राइजोपस ओरिजस, एंड एसिडिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम एजिडोबैक्टर एसिडिक। विटामिन प्रोडक्शन, सी देर आर सो मेनी विटामिन विच आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, बट देर आर सर्टेन विटामिन विच कांट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, एंड सो वी हैव टू डिपेंड इट ऑन अ एक्सटर्नल सोर्स। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अगर कुछ विटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते तो हमें उनके लिए बाहर से डिपेंड रहना पड़ता है। यस, जैसे विटामिन B2 इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूरोस्पोरा गोसपी, विटामिन B12 इज ऑब्टेन फ्रॉम सुडोमोनास डीनाइट्रोफिकन्स, एंड विटामिन सी इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर। कैन यू गेस इट वेयर दिस विटामिन्स आर यूजफुल इन अवर लाइफ? और कैन यू टेल मी वेयर विटामिन सी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेस? सो जो आप माइंड में गेस कर रहे हो वो सही है। विटामिन सी हमारे बेसिकली जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं, लेमन, संतरा, मौसम्बी, यस ऑल दिस फ्रूट्स आर ऑल्सो कंटेनिंग विटामिन सी लाइक आमला। सो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। जिबरलिन प्रोडक्शन। जिबरलिन इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ अ प्लांट हार्मोन विच वॉज फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जिब्रेला जिबरलिन इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट हार्मोन विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय फंजाई, एंड दिस हार्मोन फर्स्ट टाइम नोटिस बाय याबुटा एंड सुमिकी फ्रॉम द जापान। रिमेंबर, याबुटा एंड सुमिकी, इन दोनों साइंटिस्ट ने जिब्रेलिन हार्मोन को डिस्कवर किया हुआ था जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय में से। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जनरली सम प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट्स इफ दे आर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, यस, देन देर इज अ मोर रोल ऑफ अ जिबरलिन हार्मोन, बिकॉज जिबरलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस इन ब्रांचेस, सो इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, लेकिन वर्टिकल ग्रोथ ऑक्सिन हार्मोन दिखाता है। सो याबुटा एंड सुमिकी डिस्कवर्ड दिस जिबरलिन हार्मोन फ्रॉम द जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय, वन टाइप ऑफ अ फंगस विच कॉजेस बकाने डिसीज और फुलिश डिसीज, स्पेशली बकाने डिसीज। ये बकाने डिसीज ये नाम है डिसीज का। एंटीबायोटिक, इफ आई टेल यू दैट फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑन द इन द लिविंग सिस्टम और फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड वॉज पेनिसिलिन विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड पेनिसिलियम नोटेटम। रिमेंबर, फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक 1928 to 1929 के ईयर में डिस्कवर्ड हुई थी
बाय द साइंटिस्ट कॉल एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये जो एंटीबायोटिक डिस्कवरी की थी तो उस एंटीबायोटिक का इतना यूज नहीं हुआ था वो पीरियड में, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में अमेरिकन सोल्जर्स को काफी जख्म हो गए थे हीली, तो उनके जख्म को हील करने के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किया गया और उसके बाद ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काफी फेमस हो गए जो अब तक चल रही है। यस, सो फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिना पेनिसिलियम नोटेटम। क्लोरोमाइसिटिन इज ए एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम सेक्रोमाइसिस वेनेजुली। इरिथ्रोमाइसिटिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम सेक्रोमाइसिस इरिथ्रस। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस। इट वॉज वॉक्समैन ने बेसिकली डिस्कवर किया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब आप ये दोनों चीजें देख लो, ये एनसीईआरटी में काफी वैल्यूएबल है। व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए? साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम एंड दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। आई विल टेल यू वेयर इट इज यूज। मान लो के समवन इज हैविंग किडनी फेल्यूर एंड समवन हैज डोनेटेड किडनी टू दैट पर्सन विक्टिम। तो जब वो किडनी डोनेट कर लेते हैं और रेसिपिएंट किडनी अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब डॉक्टर रेसिपिएंट की बॉडी में ऑपरेट करके किडनी को ट्रांसफर कर देते हैं। मान लो अगर किडनी प्रॉपरली मैच नहीं होती है तो वो किडनी उनकी बॉडी में क्या कंसिडर की जाएगी? इट विल बी कंसिडर एज ए एंटीजन। एंटीजन ठीक है, फिर उस किडनी के अगेंस्ट वो होस्ट खुद इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा और उस किडनी के अगेंस्ट हार्मफुल नेचर दिखाएगा। तब डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जब तक और कोई किडनी नहीं मिलती तब तक उनको साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, ताकि क्या होगा इम्यूनोसप्रेस, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, मतलब वो इंसान अपनी किडनी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी सप्रेस हो जाएगी। सो जब तक किडनी नहीं मिलती है तब तक का ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि वो खुद की इम्यूनिटी अपनी किडनी के अगेंस्ट यूज न कर पाए। साइक्लोस्पोरिन इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इट इज जनरली यूजफुल फॉर गिविंग टू दोज पेशेंट दोज हु हैव ट्रांसप्लांटेड पर्टिकुलर ऑर्गन। सपोज समवन हैज ट्रांसप्लांटेड किडनी एंड इन हिज बॉडी किडनी इज नॉट मैचिंग प्रॉपरली। एक्चुअली एवरी टेस्ट विल बी डन बिफोर, बट सपोज इन केस इफ किडनी इज नॉट मैचिंग, so that time doctor is giving them cyclosporin A to prevent immunity produced by that person against own body parts as a kidney. Yes, then statin is actually blood cholesterol lowering agent. It is given to those patient those who can in future those who can have a heart attack or those who have a heart related problem like arteriosclerosis, atherosclerosis, angina pectoris, etc., etc., and it is obtained from Monoscus purpurus. Statin ये एक blood cholesterol lowering agent है, और ये blood cholesterol lowering agent होने के बाद ये उन लोगों को दिया जाता है जिनको heart से related problem है, जिनको blockage है, ठीक है, जिनको angina pectoris, atherosclerosis, arteriosclerosis, heart failure, heart blockage जैसी problem है, उनको स्टेटिन देते हैं एंड दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनोस्कस पर्पुरस। ओके, देन एंजाइम प्रोडक्शन। सो इनवर्टेस इज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। पैक्टिनेस इज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम स्क्लेरोटिना लिबर्टिन एंड लाइपेस इज एंजाइम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोपस स्पीसीस and cellulase is an enzyme which is obtained from trichoderma conigi and streptokinase is an enzyme which is obtained from streptococcus bacteria. So आपको अगर इस chapter में से इस topic में से 4 marks चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट है और ये उनका ऑर्गेनिज्म है, आपको प्रोडक्ट के साथ उनके ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखना ही पड़ेगा तो ही आप आगे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होते हैं, मतलब कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में हमें मदद करते हैं। और इस चीज को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीवेज का मतलब क्या होता है। सो सीवेज इज नथिंग बट द वन फॉर्म ऑफ अ वेस्ट मटेरियल एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली इज ह्यूमन एक्सक्रिएटा। ह्यूमन एक्सक्रिएटा, सिंपल उसका मतलब हुआ ह्यूमन वेस्ट मटेरियल। तो पूरे सिटी के अंदर जितना भी एक्सक्रिएटा होता है वो एक्सक्रिएटा एक चैनल के थ्रू एक स्पेसिफिक टैंक में फिल होता है और उस टैंक में 95% वाटर होता है और रिमेनिंग जो मटेरियल होता है वो होता है एक्सक्रिएटा। अब अगर हम उसे पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल को यूं ही फेंक दें, रिवर में कहो या तो सी में कहो या तो पॉन्ड में, ऐसे ही फेंक दें, तो बाकी लोगों को इससे इन्फेक्शन होगा, बाकी लोगों को इससे डिसीजेस होगी। तो इसके लिए ऐसे तो नहीं फेंकेंगे, और ऐसे फेंकेंगे भी तो काफी नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि अगर डेली इतना वेस्ट मटेरियल इतना ही फेंका जाए तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाटर है वो भी हमसे दूर चला जाएगा। हमें क्या करना है, उसे ट्रीट करके फिर से ह्यूमन यूज में लाना है। तो हम क्या करेंगे, उस सीवेज को, उस एक्सक्रिएटा मटेरियल को ऐसे ट्रीट करेंगे कि उसमें से जो पानी है वो फिर से पीने लायक हो जाए। आई होप सो यू आर गेटिंग नाउ, आपको समझ रहा है क्लियरली। ह्यूमन एक्सक्रिएटा के अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रिएटा के साथ में कहो जितना भी वाटर होता है वो 90-95% वाटर वो पीने लायक होता है, लेकिन फिलहाल एक्सक्रिएटा के साथ जुड़ गया इसके लिए वो पीने लायक नहीं। हम उसे क्या करेंगे, हम उसे ऐसे ट्रीट करेंगे कि उसमें से बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और सॉलिड मटेरियल सब के सब निकल जाए और हम उसे पीने लायक बना सके। उसे हम कहेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। यस, और सीवेज ट्रीटमेंट कहां करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट हम करते हैं एसटीपी में, मतलब एसटीपीएस कहो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब आपकी सिटी के अंदर, आपके शहर के अंदर जहां पे भी वाटर फिल्ट्रेशन का काम होता हो उस जगह को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो आइए चलिए देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे होते हैं। सो सीवेज ट्रीटमेंट इज जनरली टेक्स प्लेस इन अ टू डिफरेंट वे, और यू कैन से इट टेक्स प्लेस इन अ टू स्टेप। Primary treatment and then there is a secondary treatment. हम सबसे पहले primary treatment के बारे में बात करते हैं। So I'll tell you, primary treatment is followed by the two step and these two steps are, first step is filtration and second step is sedimentation. प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब सीवेज को ट्रीट करने के लिए दो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम दो स्टेप यूज करते हैं, एक करते हैं फिल्ट्रेशन और एक करते हैं सेडिमेंटेशन। तो अब हम फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये देखिए एक हमारे पास टैंक है और इस टैंक के ऊपर हमने एक फिल्टर बिठाया हुआ है। यस, आप ये देख रहे हो, ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए इसे, ये एक फिल्टर है और इस फिल्टर में हम क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। पानी मतलब क्या डालते हैं, हम उसके अंदर सीवेज डालते हैं। तो सीवेज अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, जो भी सॉलिड मटेरियल है या तो आप कहो फिजिकल पार्टिकल, वो सब पार्टिकल क्या होंगे, वो ऊपर फिल्टर हो जाएंगे और अंदर क्या होगा, अंदर होगा सिर्फ लिक्विड। करेक्ट, समझ रहे आप लोगों को। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, सीवेज को डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे एक फिल्टर के थ्रू, और वो फिल्टर क्या करेगा, वो फिल्टर सॉलिड पार्टिकल जितने होंगे, मतलब फिजिकल पार्टिकल जितने होंगे वो ऊपर ऊपर फिल्टर हो जाएंगे और जो अंदर आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, लिक्विड। लेकिन उस लिक्विड के अंदर भी कुछ कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल है जिसे हम सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर लेंगे फॉर्मली। तो ये देखिए हमारे पास ये एक दूसरी टैंक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम ट्रांसफर करेंगे इस वाले टैंक में, और इस वाले टैंक में ट्रांसफर करने के बाद हम उसे एक दो घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो
तो क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऊपर 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 ऊपर, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऊपर की जगह पर नीचे क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा, इट विल बी सेटल एट बॉटम, यस। और ऊपर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इफ्लुएंट, उसे हम क्या कहेंगे इफ्लुएंट। अब हम इस एफ्लुएंट को ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो अब आती है हमारे सामने सेकेंडरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट और अब है हमारे सामने सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये पहले एक बार फिर से सुन लीजिए, सीवेज कैन बी ट्रीटेड बाय टू वे, वन इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। व्हाट हैपन इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेजेस, फर्स्ट इज अ फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज अ सेडिमेंटेशन। व्हाट हैपन इन फिल्ट्रेशन, इन अ फिल्ट्रेशन वी आर ट्रांसफरिंग सीवेज इनटू दिस टैंक बाय यूजिंग पर्टिकुलर फिल्टर एंड दैट फिल्टर फिल्टर्स द सॉलिड पार्टिकल, यू कैन से फिजिकल पार्टिकल, एंड इन दिस टैंक ओनली लिक्विड कम्स, यस। देन दिस लिक्विड इज ट्रांसफर टू द अनदर टैंक by the process called sedimentation, that liquid allow there to be there in a steady position for around 1 to 2 hour or maximum also, and after some time what happens, all the solid particle means solid particle to yahan pe nikal gaye the, all the solid particle were removed here in this tank also, some organic and inorganic debris materials are available which basically settle down at the bottom, and upper portion which is liquid generally considered as the effluent, it is then transfer to the another you can say step, that step is called as a secondary treatment. So let's start, what is secondary treatment? So now here we take one tank, this tank is called aeration tank, this tank is called aeration tank. Why we called it as a aeration tank, because in this there are some specific bacteria, there are some specific bacteria are agitated. What is agitated? Bacteria are grown. Yes, क्या होते हैं secondary treatment में, ये जो effluent है हम effluent को transfer करते हैं किसमें, secondary treatment में। और secondary treatment में हम एक tank लेते हैं जिस tank को हम कहते हैं aeration tank। क्यों aeration tank, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो speedily grow होते हैं, और स्पीडली ग्रो होने के कारण क्या होता है, ये जो इफ्लुएंट होता है यहां पे, इस इफ्लुएंट को हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी स्लज। आप दो तीन चीजें क्लियरली समझ लीजिए, नहीं तो आपको बाद में काफी प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, हमने यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट किया, फिर इसके बाद हमने यहां पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को नीचे सेटल डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो इफ्लुएंट है उसे ट्रांसफर कर दिया एरेशन टैंक में, तो एरेशन टैंक में हमने जो इफ्लुएंट को ट्रांसफर किया हुआ है उस इफ्लुएंट को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे हम, प्राइमरी स्लज, ओके। अब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है इस प्राइमरी स्लज में से बायोगैस बनाते हैं, और इस बायोगैस में क्या होता है, एक होता है मीथेन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, यस। तो ये तीन चीजें हमें मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या मिलता है यहां पे, बायोगैस। और बायोगैस इन्फ्लामेबल होने के कारण इसका हम कोई अलग पर्पस में भी यूज करते हैं, जैसे फॉर अ पर्पस ऑफ कुकिंग, फॉर अ पर्पस ऑफ यू कैन से व्हीकल रनिंग एज अ फ्यूल मटेरियल, क्लियर। अब यहां पे जो मटेरियल होगा लिक्विड, उसे हम दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे, और इस टैंक को हम कहेंगे अन एरोबिक अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक। क्या कहेंगे हम इसे, अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक। और उसके बाद क्या होगा, ये जो लिपिड हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो जो भी बैक्टीरिया होंगे वो इस अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में, बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ वो सब के सब यहां पे मर जाएंगे, सब के सब यहां पे मर जाएंगे। और इसे हम अब क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे वैसे, एक्टिवेटेड स्लज। सी, इन अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट
we are transferring effluent from the sedimentation into the secondary treatment, where there is a first aeration tank is there, where there is a specific bacteria that are there which are agitated at a high speed, means they are growing at a high speed. These bacteria are responsible for production of a biogas, where there is a methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide are generated, and then this complete material is transferred to the another tank. This is called anaerobic digester tank. This anaerobic digester tank have a bacteria, have a fungi, number of organisms are there, and they are basically settled here, they are basically killed there. Yes, remember main purpose of sewage treatment is not to produce biogas. The main purpose of sewage treatment is to treat the sewage so that this water will be again used as a reuse. Clear? Main purpose sewage treatment ka biogas production karna nahi hai. लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि इस सीवेज को हम फिर से ऐसा बनाएं ताकि फिर से इसमें से जो वाटर है वो ह्यूमन बींग के लिए रीयूजफुल हो. क्लियर? आजकल सीवेज ट्रीटमेंट में से दो और चीजें होती हैं. एक होता है, यू कैन से, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट एंड यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड और अटैच टू दी सीवेज ट्रीटमेंट. दिस इज जनरली कॉल्ड एज अ गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान. मतलब गंगा को क्लीन करना, गंगा नदी को क्लीन करना, यमुना नदी को क्लीन करना, ये सीवेज ट्रीटमेंट के अंडर में आता है, और उसे हम कहते हैं गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान. सो ये था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स एज अ सीवेज ट्रीटमेंट. इवन दो अगर इसमें वायरसेस भी होते हैं तो वायरसेस को क्लीन करने के लिए भी ऑप्शन है. अगर वायरसेस को क्लीन करना है तो हमें सिर्फ डायरेक्टली ऊपर से क्लोरीन ऐड करना है, उसे हम कहेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट और क्लोरीनेशन. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन वी कैन किल मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरसेस. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, माइक्रोब्स यूज एज अ सीवेज ट्रीटमेंट. माइक्रोब्स एज अ सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द वेस्ट मटेरियल स्पेशली कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन हाउसेस विच मेनली कंटेन ह्यूमन एक्सक्रेटा. एंड इफ यू थ्रो द ह्यूमन एक्सक्रेटा डायरेक्टली टू द रिवर और सी, देन इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू द अदर ह्यूमन बींग. देयरफॉर वी हैव टू ट्रीट इट बिफोर यूजिंग इट टू द ह्यूमन सोसाइटी. यस, एंड हाउ टू ट्रीट इट? सीवेज जनरली हैव अ टू ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. इन अ प्राइमरी ट्रीटमेंट we are filtering all the sewage, and we are actually separating solid particle, physical particle by using of filtration, by using particular filter, and complete liquid we are transferring into the another tank by the sedimentation technique. We are allowing that liquid to settle for a long period of time, and after that it gets settled down at the bottom, and then this effluent we transfer it into the secondary treatment, where there is a aeration tank is there, where bacteria are forming biogas from the primary sludge. And this biogas is very important as it is used as a cooking purpose as well as a fuel purpose. And then this liquid is transferred to the anaerobic digester tank, where there is a bacteria and fungi are basically killed, and this water can be used, reused for the purpose of human society. This is about microbes as a biogas, means use of microorganism to, sorry, use of a microorganism. मतलब इसमें जैसे बायोगैस भी बन जाता है, इसके लिए गलती से निकल गया, लेकिन वो भी है. सो हियर देयर इज अ यूज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट द सीवेज. एक तीर से दो निशान में लगते हैं, एक बायोगैस प्रोडक्शन भी बनता है और दूसरा पानी भी फिल्टर हो जाता है, मतलब सीवेज भी ट्रीट हो जाता है. थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी, और आज मैं आप लोगों को बायोगैस इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि बैक्टीरिया का एक्चुअली क्या रोल होता है बायोगैस प्रोडक्शन करने में. बैक्टीरिया का रोल बायोगैस प्रोडक्शन करने में, जैसे हम ऑर्गेनिक गैस या तो हम बेसिकली ग्रीन गैस भी कहते हैं, 0% पोल्यूटेटेड गैस कहते हैं. तो बायोगैस एक ऐसा गैस है जो पेट्रोल और डीजल का बेसिकली अल्टरनेटिव सोर्स है आज की दुनिया में. यस, तो चलिए देखते हैं बेसिकली बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स एज अ बायोगैस प्रोडक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस इज आल्सो नोन एज ग्रीन गैस. बायोगैस को ही हम ग्रीन गैस कहते हैं. व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ग्रीन गैस? इट इज सिंपली कॉल्ड सीएनजी गैस. सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. व्हाई वी कॉल्ड सीएनजी गैस और ग्रीन गैस? जहां कहीं बेबी ग्रीन गैस का मतलब होता है, ग्रीन वर्ड आ जाता है, ग्रीन का मतलब होता है 0% पोल्यूशन. सो बायोगैस से कभी भी पोल्यूशन नहीं होता, इसके लिए हम इसे ग्रीन गैस कहते हैं. और ये
पेट्रोल और डीजल इनका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो तभी हम इसे कहते हैं कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। अब क्या होता है बायोगैस प्रोडक्शन, कहाँ प्रोड्यूस होता है? जनरली बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस बायोगैस दे आर कॉमनली कॉल्ड इट एज अ मिथेनोजेंस, दे आर कॉमनली कॉल्ड इट एज अ मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस आर द टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब मैं आपको एक सिंपली एक चीज बताता हूँ, इन अवर बॉडी वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल एंड एनिमल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल डंग और वेस्ट मटेरियल और यू कैन से गोबर, एनिमल आर ऑल्सो ईटिंग सेल्यूलोस। यस, एनिमल प्लांट की ग्रास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, लीफ खाते हैं, और लीफ में सेल्यूलोस शुगर ज्यादा होती है। और अगर प्लांट मतलब प्लांट का सेल्यूलोस अगर काऊ डंग के अंदर जाता है, तो काऊ के अंदर जो डंग प्रोड्यूस होता है उस डंग में से गोबर गैस प्रोड्यूस हो सकता है, और वो जो गैस होता है वो जनरली होता है बायोगैस, उसे हम कहते हैं सीएनजी गैस। अब हम ये देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में कितने कितने गैस होते हैं। जनरली बायोगैस प्रोडक्शन इज अ थ्री मेन गैस, वन इज अ मिथेन गैस, सेकंड वन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन। सो दीज आर द थ्री मेन गैसेस, आउट ऑफ देम प्रीडोमिनेंटली इज अ मिथेन गैस। सबसे ज्यादा अगर हम देखें बायोगैस प्रोडक्शन में, तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है, तो सबसे ज्यादा गैस होता है मिथेन गैस, सबसे ज्यादा गैस होता है मिथेन गैस। क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। अब आप ये कुछ इन टॉपिक के बारे में देखिए, जनरली डेवलपमेंट ऑफ अ बायोगैस इन इंडिया इट इज डेवलप्ड बाय टू ऑर्गेनाइजेशन, वन इज अ यू कैन से आरी एंड सेकंड वन इज आरी स्टैंड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड सेकंड वन इज अ यू कैन से खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। सो दीज आर टू ऑर्गेनाइजेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन की जो कंसेप्ट है सबसे पहले डेवलप किसने की है, सो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी है खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिन्होंने बायोगैस प्रोडक्शन को स्टार्ट किया हुआ था। अब हम ये देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होती है। जनरली बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट इज फाइनली दे आर बेसिकली सेटल्ड इन द विलेजेस। ये जनरली विलेजेस के अंदर बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट सेटल करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि काउडंग जो है, जो रॉ मटेरियल है बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब बायोगैस प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है काउडंग, और काउडंग सबसे ज्यादा विलेजेस में पाया जाता है। अगर काउडंग विलेजेस में पाया जाता है तो उसी के कारण बेसिकली काउडंग अगर विलेजेस में पाया जाता है तो उसी के कारण विलेजेस में बायोगैस प्रोडक्शन के प्लांट लगाए जाते हैं। आप कभी भी कोई बड़ी सिटियों में ये चीजें नहीं देखोगे। यस, बड़ी सिटियों के आसपास जो गांव होते हैं उस गांव में बेसिकली बायोगैस प्रोडक्शन लगाया जाता है। अब हम ये देखते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में जो प्लांट लगाया जाता है वो किस प्रकार से होता है। सो आई टेल यू, बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट रिक्वायर्ड अ बिग टैंक विच इज अराउंड 10 टू 15 फीट इन द ग्राउंड। इट्स अराउंड 10 टू 15 फीट इन द ग्राउंड एंड दिस टैंक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस टैंक इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अनदर ट्यूब्स। यस, आई शो यू, दिस इज कंसिडर एज डाइजेस्टर। यस, एंड दिस इज गैस चेंबर। दिस वन इज गैस चेंबर, ओके, एंड इन दिस वन डंग इज प्रेजेंट एज वेल एज वॉटर इज प्रेजेंट। दिस इज बायोगैस प्रोडक्शन टैंक। मैंने एकदम रफ डायग्राम ड्रॉ किया। जनरली बायोगैस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस टैंक एंड वी हैव टू मेक अराउंड 10 टू 15 फीट डिग इनटू द ग्राउंड। हमें 10 से 15 फीट जमीन में गड्ढा खोदना पड़ता है,
और उस गड्ढे में हम बेसिकली एक साइड से जो पाइप होता है उसमें हम गोबर डालते जाते हैं, मतलब काव का वेस्ट मटेरियल जिसे हम काव डंग कहते हैं, और उस गोबर के साथ हम पानी भी डालते हैं और ये पूरा का पूरा इस टैंक में आ जाता है। और इस टैंक को हम कहते हैं डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर के अंदर तीन अनैरोबिक रिएक्शन होते हैं। क्यों अनैरोबिक रिएक्शन, मैं अभी आपको बताता हूं। बायोगैस प्रोडक्शन इज जनरली थ्री स्टेप अनएरोबिक प्रोसेस। व्हाई इट इज अनएरोबिक प्रोसेस कंप्लीटली आई टेल यू। इन द बायोगैस प्रोडक्शन द बैक्टीरिया विच वी आर यूजिंग, दिस बैक्टीरिया आर अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन फॉर इवन फ्यू सेकंड ऑल्सो। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन को 5 सेकंड 10 सेकंड भी टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ये बायोगैस प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी थम जाएगी, रुक जाएगी। इसके लिए बायोगैस प्रोडक्शन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनैरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आपको ये मैं बता दूं कि अनैरोबिक ऑर्गेनिज्म आते कहां से। जनरली काव डंग, मतलब काव का जो वेस्ट मटेरियल है, उनका लेटरिन कहो या तो काव डंग कहो, वो उनके रूमेन में होता है। और रूमेन स्टमक का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर पार्ट होते हैं पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक, स्पिंक्टर, ठीक है, ऐसे रूमेन काव डंग काव के अंदर एक पार्ट होता है और उसके अंदर डंग भरा होता है। और ये पूरा का पूरा ऐसा एरिया होता है जहां पे ऑक्सीजन जरा भी नहीं होता है। ऑक्सीजन न होने के कारण ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा हो गया, अनैरोबिक ऑर्गेन, अनैरोबिक एरिया हो गया। और अनैरोबिक एरिया में कौन ग्रो हो सकते हैं, सिर्फ अनैरोबिक ऑर्गेनिज्म ही ग्रो हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं तीन स्टेप, कौन सी स्टेप होती है जिन तीन स्टेप के बाद हम डायरेक्टली बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन, पॉलीमर और कॉम्प्लेक्स मटेरियल गेट कन्वर्टेड इंटू मोनोमर, मोनोमर और सिंपल मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यस विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड आइदर क्लोस्ट्रिडियम और आइदर सुडोमोनास, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे पहली वाली स्टेप, ये जो गोबर हम यहां पे डालते हैं वो गोबर कैसे होता है, थिक होता है, काफी साइज में बड़ा होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं पॉलीमर और या तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो ये पॉलीमर का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, मोनोमर में, और मतलब ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, सिंपल मटेरियल में। और ये पहली वाली स्टेप करने के लिए हमें कौन से बैक्टीरिया की जरूरत होती है, ये होते हैं क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया और सुडोमोनास बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऑलरेडी गोबर में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास मटेरियल आ जाता है मोनोमर या तो सिंपल मटेरियल, सो सिंपली मोनोमर गेट कन्वर्टेड इंटू ऑर्गेनिक एसिड, एंड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज एसिटिक एसिड, यस एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज एसिटिक एसिड। और ये वाला रिएक्शन कौन करते हैं, ये वाले रिएक्शन करते हैं एससी एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। तो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ये वाली रिएक्शन करते हैं और फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एसिटिक एसिड। फिर तीसरी स्टेप देखिए, एसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू, डायरेक्टली हम लिखते हैं बायोगैस और सीएनजी गैस, ठीक है, बायोगैस और सीएनजी गैस। और ये कौन करता है, इसे कन्वर्ट करने के लिए हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं, वो होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज मिथेनोकोकस और मिथेनो स्पिरिलियम, यस क्लियर हो गया आप लोगों के सामने। एक चीज याद रखिए कि सबसे पहले पॉलीमर मटेरियल मतलब काव डंग डाइजेस्टर में आने के बाद क्लोस्ट्रिडियम और सुडोमोनास बैक्टीरिया इसका कन्वर्जन करेंगे मोनोमर में, और मोनोमर मोनोमर के ऊपर एसिडोजेनिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे और उसका कन्वर्जन करेंगे एसिटिक एसिड में, और फाइनली एसिटिक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा बायोगैस में, मतलब ही सीएनजी गैस में, मतलब ही नेचुरल गैस या तो ग्रीन गैस में, विद हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इज मिथेनोकोकस एंड
मिथेन और स्पिरुलिना। तो ये वाला है बायोगैस प्रोडक्शन, काफी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। एक बार फिर से इंग्लिश में सुन लीजिए, microbes as a biogas production, the microorganism, the bacteria which are useful for the production of a biogas, they are simply called as a methanogens. And in the biogas production, which is also known as a compressed natural gas, there are three main gases, like a methane gas, carbon dioxide and nitrogen. There are three main gases, and out of them methane gas is very important. Methane gas is a predominantly available. Generally biogas production development was started by the Industrial Agriculture Research Institute, RE, Industrial Agriculture Research Institute, as well as KVISI, stand for Khadi. It stand for Khadi Village Industrial Commission. It is KVISI, yes. Khadi Village Industrial Commission. And biogas production generally required this kind of an instrument, which has to be created under 10 to 15 feet in the ground, in the soil. And biogas production required a three-step anaerobic process. First process is polymer or complex material get converted into monomer or simple material with the help of Clostridium bacteria or Pseudomonas bacteria. And then monomer material get converted into organic acid or acetic organic acid. Example is acetic acid with the help of acidogenic bacteria. And finally, last step, acetic acid get converted into biogas or CNG gas with the help of methanogenic bacteria. Example is Methanococcus and Methanospirillum. This is about microbes has an important role in the process of biogas production. कैसे कुछ bacteria दुनिया का एक ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं बायोगैस। अब मैं आप लोगों को कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं कि बायोगैस प्रोडक्शन की क्या एप्लीकेशंस। मैं आपको ओरली बता देता हूं, बायोगैस प्रोडक्शन हैज सो मेनी एप्लीकेशन। फर्स्ट, बायोगैस कैन बी अल्टरनेटिव सोर्स कंपेयर टू द ऑयल, कंपेयर टू द डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल। सो फर्स्ट, बायोगैस एक्ट एज अ फ्यूल। सेकंड, एज बायोगैस इज अ नेचुरल गैस, it is creating 0% pollution. Third, biogas can be used as a electricity. Biogas can be useful for the purpose of creating a light. Yes. And fourth, biogas can also be used for the purpose of cooking. Yes. So thank you so much for watching this video about biogas. अगर आप लोगों को ये video पसंद है और अगर आप और भी NEET pass करने के लिए videos चाहते हो biology से related, तो please हमारे channel को subscribe कर दीजिए और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। तो सबसे पहले हम वर्ड देख लेते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट मतलब क्या। वी नो दैट मैक्सिमम प्लांट्स आर मैक्सिमम एक्चुअली फार्मर्स आर डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप वैरायटी, क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप सेलिंग। फार्मर बेसिकली क्रॉप की क्वालिटी, क्वांटिटी और सेलिंग के ऊपर उनकी पूरी लाइफ होती है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनका प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, हेल्थ के ऊपर। लेकिन बेसिकली प्लांट की हेल्थ को अफेक्ट कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देर आर सो मेनी इंसेक्ट, देर आर सो मेनी पेस्ट, देर आर सो मेनी बैक्टीरिया, वायरसेस विच आर बेसिकली डैमेजिंग द क्रॉप, their quality as well as quantity. And today we are going to learn how to control such microorganism by use of bacteria. This is called biocontrol agent. I'll give you first of all definition, then we will discuss particular example of this one. Let's start. What does it mean by first of all biocontrol agent? So biocontrol agent is nothing but when one living organism kills another living organism to prevent
of third living organism. It is called biocontrol agent. देखिए क्या होती है डेफिनेशन. When just right. Biocontrol agent is nothing but when one living organism kills another living organism to prevent life of third living organism. It is called biocontrol agent. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को मारता है, क्यों? क्योंकि उनको थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तब हम ऐसे कहते हैं बायोकंट्रोल एजेंट. अब आप फिलहाल 2-5 मिनट के लिए इस डेफिनेशन को साइड से हटा दीजिए, ठीक है? और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल, आप उसकी तरफ देखिए. आई टेल यू, जस्ट इमेजिन दैट सपोज इट इज अ just imagine it is cotton ball on plant. Just imagine this is a cotton ball on a cotton plant. ये क्या है? ये है cotton ball cotton plant के ऊपर. अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, cotton ball production takes around 3 months. When farmer is growing cotton, starting at the beginning, cotton is not a cotton. It is carbohydrate at the beginning. And suppose if it is a carbohydrate at the beginning, insect basically enters inside cotton ball. And what happens? जैसे ही insect cotton ball के अंदर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? पूरा को पूरा cotton खा जाते हैं वहां से. Just imagine. If an insect enter inside the cotton ball, where there is no cotton ball actually at the beginning, actually there is a presence of sweet substance called carbohydrate. So insect eat the carbohydrate completely. So there is nothing to turn into the cotton ball. अगर insect carbohydrate पूरा का पूरा खा जाते हैं तो क्या होगा? Cotton तैयार ही नहीं होगा. और आप imagine करो कि एक farmer के पास 2 या 5 acre खेती है, 2 या 5 acre एग्रीकल्चर है, तो उस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर में ऐसे इंसेक्ट का इंफेक्शन हो जाता है और पूरे के पूरे 5 acre में जितने कॉटन बनने वाले हैं उसका पूरा डैमेज हो जाता है. तो आप सोचिए फार्मर की लाइफ के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज का. तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज को प्रिवेंट करना है. तो अब देखिए, देयर इज अ वन बैक्टीरिया कॉल्ड बीटी, स्टैंड फॉर बेसिलस थुरिंजेंसिस. The name of bacteria is a BT, Bacillus thuringiensis. Just imagine this is a bacteria and this is a DNA of bacteria. The DNA of this bacteria have a specific gene called cryogen, and cryogen is considered as a toxicated gene. Cryogen is considered as toxicated gene. Now what we are doing? Bacteria is a BT, Bacillus thuringiensis bacteria. We are using the good quality of this bacteria to kill insect inside the cotton ball. We are using bacteria to kill insect to prevent the life of cotton. Are you getting this definition now? Is it slightly memorizing? First living organism is a bacteria. We are killing second living organism, and second living organism is an insect to prevent the life of third living organism, which is almost a कॉटन बॉल प्लांट. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो बीटी बैक्टीरिया है इनको वाटर में मिक्स करेंगे, और वाटर में मिक्स करने के बाद स्प्रे करेंगे कॉटन प्लांट के ऊपर. तो जैसे ही ये बैक्टीरिया कॉटन बॉल के अंदर जाएंगे तो अंदर क्या होंगे? अंदर होंगे इंसेक्ट, एंड दिस विल बी द स्टमक ऑफ इंसेक्ट. व्हाट विल हैपन? बैक्टीरिया सच एज बीटी बैक्टीरिया विल एंटर इनटू द स्टमक ऑफ this insect, and what will happen? It will produce toxic chemical, and due to the toxic chemical insect will die. Insect na mar jayenge. Humne kya kiya? Aap dekhiye, BT bacteria
has a gene called cryogen, responsible for toxic production. And the toxic of this BT bacteria can kill bollworm. There are so many organisms like a cricket, like insect, like a hookworm, bollworm. There are number of organisms which can be easily killed by BT bacteria. So, what are we doing? We are taking this BT bacteria and mixing in the water, and we are spraying this water on the cotton ball. What happened? Bacteria enter inside the cotton ball, and inside there is already insect is present. So bacteria enter inside the mouth of an insect, and then finally travel towards the stomach of insect. In the stomach of insect, there is an alkaline pH. At an alkaline pH, this bacteria produce toxic chemical, and ultimately they damages the epithelial cells of a stomach of an insect, and ultimately stomach of insect burst, insect basically die. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नीट एग्जाम में पूछा गया ये how BT bacteria work. So the toxic of a BT bacteria damages the epithelial cells which are located at the lining of a stomach of insect. Insect stomach damages, and ultimately insect fully destroyed. Now you just recall the definition. Biocontrol agent is nothing but when one living organism is who? BT bacteria. When one living organism kill another living organism such as insect to prevent life of third living organism such as cotton plant. Is it clear? This is called biocontrol agent. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है ताकि तीसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो बचा सके. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो है बीटी बैक्टीरिया. सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको वो मारना चाहते हैं वो है कॉटन बॉल, सॉरी वो है इंसेक्ट. और थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको ये बचाना चाहते हैं वो है वो है कॉटन प्लांट. सो दिस इज बायोकंट्रोल एजेंट. Nowadays, worldwide, biocontrol agent, best example to be studied in every syllabus is BT bacteria. Nowadays, BT soybean, BT potato, BT tomato, BT corn, and number of products are available which are containing BT genes. अगर इनमें से कोई भी vegetable में या तो कोई भी plant में BT genes add हो जाती है तो वो प्लांट को इनमें से किसी ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन होते ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट के अंदर खुद ब खुद क्या एबिलिटी आ जाती है टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की. सिर्फ बीटी बैक्टीरिया बायोकंट्रोल के एजेंट नहीं है. बीटी बैक्टीरिया बायोकंट्रोल एजेंट नहीं, काफी सारे हैं. और कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बताता हूँ. और मेन जो टॉपिक मुझे एक्सप्लेन करना था आप लोगों को वो है बीटी एज अ बायोकंट्रोल एजेंट. थैंक यू सो मच. Okay friends, so as I told you that BT bacteria can kill this all organism. Microbes as a biocontrol agent has a several example. It can be used as a BT bacteria, it can be used as a fungi, it can be used as a protozoa, it can be used as a viruses. So when any plant is having infection due to caterpillar, due to the larva, due to Aedes, due to the butterfly, due to the black flies, so that time they are using BT bacteria to kill all of them. अगर plant को caterpillar या तो larva या तो Aedes या तो butterfly या तो black fly इनमें से किसी का infection है तो उस time farmers generally BT bacteria का fertilizer, BT bacteria को biocontrol agent के तौर पे use करते हैं और BT bacteria इनमें से सभी को kill कर सकते हैं. अगर प्लांट को अफाइट्स, माइट्स, वाइट बग या तो फ्लाइज मतलब वाइट फ्लाइज या तो बग से इनमें से किसी से इन्फेक्शन है तो उस वक्त फार्मर्स बोवेरिया बेसियाना नाम का फंजाई यूज करते हैं टू किल ऑल ऑफ देम. इफ अ प्लांट इज हैविंग इन्फेक्शन ड्यू टू द अफाइट्स, माइट्स, वाइट फ्लाइज, बग्स, देन प्लांट आर यूजिंग आई मीन टू से फार्मर्स आर यूजिंग बोवेरिया बेसियाना टू किल सच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द plants. Whereas if plants are having infection due to the grasshopper, caterpillar, corn borers or cricket type of insect, that time farmers are using Nosema lacustri. It is a one type of protozoa which can kill all of them. अगर plant को grasshopper, caterpillar, corn borer या तो cricket इनमें से किसी से infection हुआ है
तो जनरली फार्मर्स नोसेमा लेक्यूस्टिन नाम का प्रोटोजोआ यूज करते हैं और ये नोसेमा लेक्यूस्टिन को किल करने में सक्षम होता है। वायरसेस, जैसे मैंने आपको कहा मैक्सिमम वायरसेस प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन ये जो वायरस है वो ह्यूमन के लिए अच्छा है क्योंकि ये प्लांट को बचाता है किससे, जिप्सी मॉथ्स और कैटरपिलर से। सो एनपीवी स्टैंड फॉर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, फुल फॉर्म याद रख लो, एनपीवी स्टैंड फॉर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इट इज अ वायरस विच कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम जिप्सी मॉथ्स इन्फेक्शन एंड कैटरपिलर इन्फेक्शन। अगर प्लांट को कैटरपिलर इन्फेक्शन या तो जिप्सी मॉथ से इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय एनपीवी मतलब न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोबियल हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड, हर्बिसाइड मींस टू किल हर्ब्स, वीडिसाइड मींस टू किल वीड्स। यू कैन यूज अल्टरनेरिया क्रासा, वन टाइप ऑफ अ फंजाई, फ्यूजेरियम स्पीसीज, जांथोमोना स्पीसीज और एग्रोबैक्टेरियम स्पीसीज। सो दिस इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे मेन जो माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट होता है वो बीटी होता है, आपको बीटी याद रखना है क्लियरली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो चलिए देखते हैं बायो फर्टिलाइजर क्या है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बायो फर्टिलाइजर डिस्कस करेंगे। So first of all, I would like to tell you what is it meant by fertilizer. So क्या होता है fertilizer? Any substance which increases growth of plants, it is called fertilizer. जो भी सब्सटेंस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कैन बी डिफाइन एज एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल, विच इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बॉडी, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। एक्चुअली फर्टिलाइजर जब होता है तब हम उसे फर्टिलिटी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन फर्टिलिटी का फायदा क्या होता है प्लांट की ग्रोथ से। मतलब मान लो आपके पास एक प्लांट है, उस प्लांट को आपने सॉइल में डाल दिया, आप डेली पानी दे रहे हो, सनलाइट मिल रहा है, लेकिन प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, तो प्लांट को एक्स्ट्रा कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट होगा फर्टिलाइजर। यस, सो फर्टिलाइजर इज नथिंग बट एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ अ प्लांट और विच इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बॉडी, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। एक्चुअली मार्केट में तीन प्रकार के फर्टिलाइजर जनरली अवेलेबल होते हैं। एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर, वन इज केमिकल फर्टिलाइजर, सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड थर्ड वन इज बायो फर्टिलाइजर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। हमारा मेन टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर, लेकिन आपको कितने प्रकार के फर्टिलाइजर है अब तक मार्केट में, मैं वो आपको बेसिकली बता देता हूं एक मिनट में। केमिकल फर्टिलाइजर, वेर प्रीवियसली फार्मर वेर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, बट नाउ डेज केमिकल फर्टिलाइजर इज वेरी रिड्यूस्ड बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर हैज अ सो मेनी बैड इंपैक्ट ऑन अ प्लांट लाइफ एज वेल एज सो मेनी बैड इंपैक्ट ऑन अ ह्यूमन बींग ऑल्सो दोज हु आर यूजिंग दिस एज अ फार्मर। फार्मर जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उनको केमिकल इफेक्ट उनके आंखों में, उनके ब्रीदिंग सिस्टम में, उनके ब्रेन में काफी सारे इफेक्ट होते हैं। इसके लिए आजकल केमिकल फर्टिलाइजर का यूज काफी कम हो गया है। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर लाइक अ फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मैन्यूअर, फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ अर्थवर्म, इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। इट इज ऑल्सो गुड बट इट हैज अ लेस इफेक्ट, इट हैज अ वेरी स्लो इफेक्ट। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का इफेक्ट इतना नहीं है जितना बायो फर्टिलाइजर का है। एंड नाउ डेज इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैक्सिमम फार्मर्स आर यूजिंग बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कैन बी ऑफ बैक्टीरियल, कैन बी सियानो बैक्टीरियल, कैन बी द फंगल। तो आइए चलिए देखते हैं बायो फर्टिलाइजर क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर नाउ। व्हाट इज नाउ बायो फर्टिलाइजर, कम ऑन, क्या होता है बायो फर्टिलाइजर?
fertilizer made from bacteria, blue green algae means cyanobacteria or fungi, it is called biofertilizer. मतलब फर्टिलाइजर जो है उसका तो मतलब वही रहेगा, ठीक है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर हम उसे बायो फर्टिलाइजर कहते हैं तो हम क्या, उसका मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, स्पेशली फर्टिलाइजर विच इज मेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मीन सियानो बैक्टीरिया एंड फंजाई, इट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। इट मीन्स नाउ फर्टिलाइजर एज अ थ्री कैटेगरी, लेकिन ये तीन कैटेगरी समझाने से पहले, तीन कैटेगरी समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। सी दिस इज अ, दिस वन इज अ नॉर्मल प्लांट, ओके, दिस वन इज नॉर्मल प्लांट, दिस प्लांट इज गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्लांट इज गेटिंग ऑक्सीजन, एवरीथिंग दिस प्लांट इज गेटिंग, बट वॉट दिस प्लांट इज नॉट गेटिंग दैट इज नाइट्रोजन। यस, दिस प्लांट इज हैविंग डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, और अगर इस प्लांट को नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है तो ऑब्वियसली ये प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजर मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका काम क्या है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन कलेक्ट करके प्लांट तक पहुंचाना ताकि प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो सके। दिस इज अ प्लांट इन विच देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ अ नाइट्रोजन। रिमेंबर इफ अ प्लांट इज नॉट हैविंग नाइट्रोजन नो देन प्लांट कैनॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज प्लांट विल नॉट शो देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड प्लांट शुड कंटिन्यू देयर ग्रोथ। देयरफॉर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग सम बैक्टीरिया और सम ब्लू ग्रीन एल्गी और सम फंजाई टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड गिव अ नाइट्रोजन टू द प्लांट बॉडी। हाउ, लेट्स स्टार्ट, आई विल टेल यू। बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ, बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, एंड बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर कैन बी डन बाय थ्री फेमस बैक्टीरिया। फर्स्ट बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया, फर्स्ट बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया, सेकंड बैक्टीरिया इज अजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, एंड थर्ड बैक्टीरिया इज, देर आर थ्री फेमस बैक्टीरिया, राइजोबियम, अजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, फर्स्ट वन इज राइजोबियम बैक्टीरिया, सेकंड वन इज अजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज एजोस्पिरिलियम बैक्टीरिया। अब आप समझ लीजिए डिटेल में मैं क्या बता रहा हूं। सी आई एम यूजिंग, आई विल यूज अनदर कलर सो दैट आई कैन टेल यू क्लियरली। रिमेंबर राइजोबियम बैक्टीरिया, सी जस्ट इमेजिन दिस वन इज राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके, इन द डीएनए ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, इन द डीएनए ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया देर इज वन स्पेसिफिक जीन इज अवेलेबल, द नेम ऑफ जीन इज निफ जीन, नेम ऑफ जीन इज निफ जीन। व्हाट इज द निफ स्टैंड फॉर, निफ स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, Ni stand for nitrogen, F stand for fixing, nitrogen fixing gene। अब आप ये सोचिए कि इस जीन का फंक्शन क्या होता है, तो ये देखिए, राइजोबियम इज अ सॉइल बैक्टेरियम, राइजोबियम इज अ सॉइल बैक्टेरियम विच हैव अ निफ जीन इन देयर डीएनए। राइजोबियम एक नॉर्मल सॉइल बैक्टेरियम होता है और इस राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर निफ नाम की जीन्स है। इस जीन्स का फंक्शन है एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके ऊपर प्लांट तक पहुंचाना। इस जीन्स का फंक्शन है एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके प्लांट तक ऊपर तक पहुंचाना, इसका नाम फंक्शन होता है कलेक्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ट्रांसफर टू द प्लांट बॉडी। नाउ सी,
Remember, in the root of a plant, in the root of plant, there are some tumors. There are some tumors, and these tumors are called leg hemoglobin, also known as a legume. समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? इस प्लांट के रूट में कुछ ट्यूमर होते हैं. इन ट्यूमर को हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन. ठीक है, इन ट्यूमर को हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन. क्यों लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं मैं आपको बताता हूं. इन प्लांट के ट्यूमर में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया है. ठीक है, इन प्लांट के ट्यूमर के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर कौन सी जीन है? निफ जीन. और निफ जीन का काम क्या है? एटमोस्फेयर में से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके नाइट्रोजन को प्लांट की ऊपर की तरफ भेजना. और जैसे नाइट्रोजन ऊपर की तरफ जाएगा, प्लांट की क्या क्या होगी? प्लांट की ग्रोथ होगी. ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के रूट में रहते हैं. जैसे ही एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन ये बैक्टीरिया कलेक्ट करते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ऊपर 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 प्लांट के ऊपर तक भेजते हैं, और ऐसे ही प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ. राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट ऑफ अ प्लांट, दिस रूट हैज अ पर्टिकुलर ट्यूमर. दिस ट्यूमर इज कॉल्ड लेग्यूम. इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेग हीमोग्लोबिन. नाउ जस्ट आई टेल यू, दिस ट्यूमर इज एक्चुअली रेड इन कलर. इफ समथिंग इज रेड इन कलर, देन टू हूम वी कंपेयर? We compare with a blood, and blood is red in color due to what? Hemoglobin. What are the leg of a plant? The leg of a plant is root. Therefore, it is called leg hemoglobin. क्या बोल रहा हूँ मैं? Plant के leg को क्या कहेंगे हम? Root. Correct? The root of a plant will be considered as the leg of a plant. और plant के root में tumor जो होते हैं वो red color के होते हैं. Red color अब हम किससे compare करते हैं? Red color हम obviously blood से compare करते हैं. और blood में ऐसी कौन सी चीज़ है जो red color है? में हीमोग्लोबिन. यस, तभी इस छोटे से ट्यूमर को लेग्यूम और क्या कहा गया है? लेग हीमोग्लोबिन. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज अ राइजोबियम बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज अ लेग्यूमिनस बैक्टीरिया. व्हाई राइजोबियम बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड लेग्यूमिनस बैक्टीरिया? बिकॉज दिस बैक्टीरिया फाउंड इनसाइड द लेग्यूम. यस, आई टेल यू, अजिटोबैक्टर बैक्टीरिया, दे आर जनरली कॉल्ड राइजोस्फियरिक बैक्टीरिया. व्हाई दे आर कॉल्ड राइजोस्फियरिक बैक्टीरिया? बिकॉज अजिटोबैक्टर जनरली फाउंड नियर बाय द रूट ऑफ अ प्लांट. देयरफॉर दे आर कॉल्ड राइजोस्फियरिक बैक्टीरिया. सी, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इनसाइड द लेग्यूम, देयरफॉर दे आर सिंपली कॉल्ड लेग्यूमिनस बैक्टीरिया. Azotobacter bacteria found near by the root, therefore they are called rhizospheric bacteria. Rhizo means root, sphere means area. Bacteria found near by the root area, therefore they are called rhizospheric bacteria. Bacteria found inside the legume, leguminous bacteria. Yes, so rhizobium bacteria, azotobacter bacteria, and azospirillum bacteria, all three bacteria have a common gene. The name of gene is a NIF gene, responsible for fixation of a nitrogen to the plant body, so plant will undergo growth and development. फिर से एक बार एक मिनट में समझ लीजिए. Plant are needing very important element. That element is a nitrogen. If a plant is not getting such a nitrogen, then plant cannot undergo proper growth. There are rhizobium bacteria, there are azotobacter bacteria, there are azospirillum bacteria. This bacteria collect the atmospheric nitrogen and transfer to the plant body, upper parts of plant body. Plant will show proper large growth. Therefore, this is simply considered as, these bacteria are considered as a biofertilizer because they are responsible for growth of a plant body. So, first biofertilizer is bacterial biofertilizer. Moving towards second biofertilizer made by cyanobacteria. So, cyanobacterial biofertilizer. Cyanobacteria is also known as a BGA, stand for
blue green algae. For your kind of information, blue green algae is very important for the paddy. What is paddy? Rice. अगर हम राइस की एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राइस की एग्रीकल्चर, तो राइस की एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोफर्टिलाइजर होते हैं वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब सियान बैक्टीरिया। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ सियान बैक्टीरिया के। सो सियान बैक्टीरिया के एग्जांपल है अनाबिना, यू कैन से अनेबिना, वन इज अनेबिना, सेकेंड वन इज नोस्टॉक एंड थर्ड वन इज ओसिलेटोरिया। यस, थर्ड वन इज ओसिलेटोरिया। सो सियानोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर विच टाइप ऑफ अ प्लांट, फॉर द पेडी प्लांट, फॉर द राइस प्लांट। पेडी मीन्स राइस प्लांट। यस, and there are three main famous example of cyanobacteria. One is a anabina, second one is a nostoc, and third one is a, you can say, oscillatoria. मैं आपको तीसरा एक example, तीसरा बताता हूँ. Third one is fungal biofertilizer. And fungal biofertilizer is also known as mycorrhizae. Yes, fungal biofertilizer is also known as a mycorrhizae. Now you just see, myco means fungi. Study of fungi is called mycology, और उसमें से एक word निकाला हुआ है myco. Myco means fungi and rhizae means root of a plant. See, if a root of a plant is connected with a bacteria and fixed atmospheric nitrogen, such fertilizer is bacterial biofertilizer. If a root of a plant is connected with a cyanobacteria, blue green algae, then it is called cyanobacterial biofertilizer. And if a root of a plant is connected to fungal or connected to fungi, then it is called fungal biofertilizer or simply called mycorrhizae. अगर प्लांट के रूट में बैक्टीरिया अवेलेबल है और वो फर्टिलाइजर के जैसे काम करते हैं तो हम उन्हें कहेंगे बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। फिर वो राइजोबियम हो, अजोबियोबैक्टीरियम हो, एजोस्पोरियम हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लांट के रूट सियानोबैक्टीरिया से कनेक्टेड है और बायोफर्टिलाइजर की जैसे काम कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे सियानोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर और यू कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी बायोफर्टिलाइजर। एग्जांपल फिर वो अनेबिना हो, नोस्टॉक हो, ओसिलेटेरिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर प्लांट के रूट फंजाई से कनेक्टेड है और फंजाई बायोफर्टिलाइजर के जैसे काम कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे माइकोराइजी। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ माइकोराइजी, वन इज एंडोमाइकोराइजी एंड सेकंड वन इज एक्टोमाइकोराइजी। यू कैन इमेजिन इजीली, जैसे यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रूट के अंदर तक जाते थे तब उन्हें हमने कहा लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, लेकिन एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया रूट के बाहर बाहर घूम रहे थे तब उनको हमने कहा यस राइजोस्फियरिक बैक्टीरिया। सेम वे एंडोमाइकोराइजी इज अ टाइप ऑफ फंजाई विच कैन गो इनसाइड द रूट ऑफ अ प्लांट एंड एक्टोमाइकोराइजी इज अ टाइप ऑफ फंजाई विच कैन फाउंड नियर बाय द रूट ऑफ अ प्लांट। एंडोमाइकोराइजी कैन गो इनसाइड द प्लांट एंड एक्टोमाइकोराइजी रिमेन आउटसाइड द रूट। दिस इज एक्टोमाइकोराइजी। रिमेंबर एंडोमाइकोराइजी इज ऑल्सो नोन एज अ वैम। वैम स्टैंड फॉर वेसिक्यूलर अर्बिस्क्यूलर माइकोराइजी। आई डोंट नो आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं बोर्ड, लेट मी चेक। सी यहां तक शायद आपको नहीं दिख रहा है। सो व्हाट इज वैम स्टैंड फॉर? वैम स्टैंड फॉर वेसिक्यूलर अर्बिस्क्यूलर माइको राइजी। होप सो अब क्लियर हो गया आपको। यस, इफ अ बैक्टीरिया इज कनेक्टेड टू प्लांट बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, देर आर थ्री एग्जाम्पल्स, राइजोबियम बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरियल बैक्टीरिया, एजोस्पोरियम बैक्टीरिया। इफ अ सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज एसोसिएटेड टू प्लांट, इट इज कॉल्ड सियानोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। एग्जाम्पल इज अ एनामिना, नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। एंड इफ अ फंजाई इज कनेक्टेड टू द रूट ऑफ अ प्लांट, इट इज कॉल्ड फंगल बायोफर्टिलाइजर और माइकोराइजी। एग्जाम्पल्स आर
एंडोमाइकोराइजी एक्टोमाइकोराइजी, एंडोमाइकोराइजी फंजाई वॉज इनसाइड द रूट, एक्टोमाइकोराइजी फंजाई रिमेन नियर बाय द रूट. यस एंड एंडोमाइकोराइजी इज ऑल्सो नोन एज वैम, स्टैंड फॉर वेसिकुलर एंड वेस्कुलर माइकोराइजी. थैंक यू सो मच. दिस इज कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं. आज हम देखने वाले हैं रिवीजन ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इट इज अ चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम दी 12th स्टैंडर्ड CBSE. सो लेट स्टार्ट. चैप्टर काफी छोटा था लेकिन काफी वैल्यूएबल टॉपिक है हमारे लिए. इन दिस चैप्टर वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर लेसन दैट besides the macroscopic organism like a plant and animal, there is a large number of another living organisms are also available on the earth. These organisms are very tiny organism. We called it as a microbes. Yes, sahi suna aapne. Microbes are a small tiny living organism which we cannot see by them our naked eyes. Just because they are small and as well as they are transparent, to observe them we have to use an instrument called microscope. Bacteria or मतलब microorganism काफी छोटे होते हैं और transparent होते हैं. इसके लिए हम उनको हम हमारी clear आंखों से naked eyes से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ये होते हैं microorganism. ऐसा compulsory नहीं कि सभी bacteria pathogenic ही हो. मतलब bacteria के दो किस्म होती है, bacteria के दो प्रकार होते हैं. एक होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब जिनसे हमें डिसीजेस होती हैं, इन्फेक्शन होता है. और दूसरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में हमें मतलब एडवांटेजियस होते हैं. जैसे कर्ड खाते हैं हम. यस, तो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबेसिलस, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. जैसे चीज़ जिससे बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं. तो सभी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होते. यस, so there are two main kind of a bacteria. One is a pathogenic bacteria which causes diseases to us, and another is a you can say normal flora which are very important to us. Pathogenic bacteria generally causes infection and diseases to us, like Salmonella typhi which causes typhoid to us, Vibrio cholerae which causes cholera, and number of viruses bacteria those which are causing diseases. And normal flora means the bacteria which are not infectious to it, but instead of infection they are very beneficial to us, like a bacteria which produces curd lactobacilli, bacteria which produces cheese, they are called propionibacterium shermani. These both bacteria are very important to us. Rhizobium bacteria fix atmospheric nitrogen, they are important for the plant, indirectly they are important to us. Correct. So sabhi bacteria dangerous nahi hote, kuch bacteria achhe. कुछ नहीं, 95% बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और 5% बैक्टीरिया डेंजरस होते हैं. हमने उसके बाद ये भी देखा दैट बैक्टीरियल शेप वॉज मैग्निफाइड एट 1500 टाइम. हमने ये देखा उसके बाद कि बैक्टीरिया को हमने 1500 टाइम जूम किया हुआ था. बेसिलाई शेप बैक्टीरिया एज वेल एज यू कैन से सर्कुलर बैक्टीरिया, वी कॉल्ड स्फेरिकल बैक्टीरिया. हमने 50,000x बैक्टीरियल फ्लाजेलाई को बड़ा किया हुआ था और हमने बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर देखा, एडिनो वायरस का स्ट्रक्चर देखा था, और फाइनली हमने टोबेकोमोज़िक वायरस का स्ट्रक्चर देखा. हमने बैक्टीरिया और फंगल की कॉलोनी भी देखी थी इंट्रोडक्शन टॉपिक में. अगर आप देखना चाहो तो वो फिर से वो वीडियो देख सकते हो. ठीक है, और हमने फिर फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया होता दैट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से माइक्रोब्स इन कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्शन. वी डिस्कस कर्ड इज अ कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्शन which is produced by the bacteria called lactobacilli by the process called fermentation. Kya tha fermentation? Fermentation is a biochemical process in which substrate or raw material get converted to product. Fermentation ek aisi biological prakriya hai jisme substrate or raw material ka conversion product mein ho jata hai. Ise hum kehte hain fermentation. Aur fermentation process के बहुत सारे एग्जाम्पल है. आजकल तो हजारों एग्जाम्पल फर्मेंटेशन के ही होते हैं. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कर्ड का. जैसे मैंने आपको बताया मिल्क इज अ रॉ मटेरियल. यस, एंड अगर हम एक ग्लास दूध में मिल्क में अगर हम एक चम्मच कर्ड मतलब दही ट्रांसफर कर देते हैं तो 8-10 घंटे के बाद जो एक ग्लास मिल्क है वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है, क्या होता है इसमें?
मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, और ये जो बैक्टीरिया हमने कर्ड में कर्ड से ट्रांसफर किए वो है लैक्टोबेसिलाई। तो ये लैक्टोबेसिलाई मिल्क का लैक्टोज शुगर खा जाते हैं, और बदले में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, लैक्टिक एसिड, और उसके कारण मिल्क का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड मतलब दही में कन्वर्ट हो जाता है, और दही से हमें विटामिन बी12 भी मिलता है, जिससे हमारी फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, डाइजेशन इफिशियंसी बढ़ जाती है। देन वी ऑल्सो डिस्कस बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस चिडार चीज, स्विस चीज, लाइक अ प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी। सेम वे मिल्क इज अ रॉ मटेरियल एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट इज अ चीज एंड रॉ मटेरियल इज मिल्क, बट माइक्रोबियल एंजाइम राइट नाउ इन दिस टाइम इज अ प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी विच प्रोड्यूसेस चीज। हमने ये भी देखा एक साउथ इंडियन फेवरेट ड्रिंक है जिसे हम कहते हैं टोडी, जो बेसिकली पाम प्लांट के सेप में से मतलब वाटर और मिनरल के सॉल्यूशन में से बनाए जाते हैं। रॉकफोर्ट नाम की एक चीज होती है जिसके ऊपर स्पेसिफिक फंजाई को ग्रो करते हैं ताकि वो फंजाई उस चीज को बेटर टेस्ट और फ्लेवर दे सके। तो ये हमने देखा था माइक्रोब्स एज अ कॉमन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद हमने उसमें मशरूम भी देखा हुआ था। देन वी डिस्कस माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। माइक्रोब्स कैन प्रोड्यूस सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का या फंजाई काफी सारे हजारों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उन हजारों प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट के मैं आपको नाम बताता हूँ जो हमने देखे थे, लाइक बेवरेजेस मीन्स अल्कोहलिक प्रोडक्ट, वाइन, बियर, विस्की, शैम्पियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर प्रोड्यूस बाय द सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ऑल्सो नोन एज यीस्ट और बेकर्स यीस्ट, बिकॉज इट प्रोड्यूस सेवरल बेकरी प्रोडक्ट। तो अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं वो यीस्ट प्रोड्यूस करता है जिन्हें हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी कहते हैं साइंटिफिकली, और बेकर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि ये बेकरी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में काम में आते हैं। ब्रेड के अंदर जो मतलब जो होल्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये यीस्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। यीस्ट जब फर्मेंटेशन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तब वो ब्रेड में होल्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पफ अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द CO2 प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रेड फर्मेंटेशन। जब डफ में जब आटा हम गूंथते हैं, मैदा जो होते हैं मैदे में हम पानी डालने के बाद गूंथते हैं, उसमें हम यीस्ट डालते हैं, तो यीस्ट को जब हम गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से ब्रेड बनते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और तभी वो ब्रेड में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट कर्ड एंड चीज आर ऑल्सो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जिबरलिन हार्मोन हमने ये भी देखा था, इट इज प्रोड्यूस बाय जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई, वन टाइप ऑफ अ फंगस, एंड फर्स्ट टाइम ये हार्मोन देखा हुआ था दो साइंटिस्ट ने, याबुटा और सुमिकी साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा ऑर्गेनिक एसिड लाइक साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर सम एसिड विच आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया लाइक एसिडोबैक्टर, यू कैन से एस्परजिलस नाइगर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हमने एंजाइम देखे, पैक्टिनेस, लिबर्टिनेस, ग्लूकोनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। फिर हमने एंटीबायोटिक देखे थे, वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज अ पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट, एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट, एंड दिस एंटीबायोटिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम टू फंगस, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम एंड पेनिसिलियम नोटेटम। उसके बाद हमने देखा माइक्रोब्स एज अ सीवेज ट्रीटमेंट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूजफुल फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। If you sewage is actually the waste material which is specially coming from human houses as a human excreta. Sewage मतलब generally human being का जो waste material होता है उसे हम कहते हैं human excreta या तो sewage. अब इस sewage में 5% waste material होता है, dangerous waste material, लेकिन 95% जो होता है वो पानी होता है, और वो पानी अगर हम ऐसे ही फेंक दें तो वो रीयूज में नहीं आएगा, और अगर रीयूज में नहीं आएगा तो ऐसे ऐसे करके कुछ टाइम में तो ये पानी पूरा दुनिया का खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए उस वाटर को फिर से ट्रीट कर, उसे ट्रीट करने के बाद फिर से ह्यूमन बींग में कैसे लाया जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सो सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेप होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेप में हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करते हैं। हम पहले पूरे के पूरे सीवेज को फिल्ट्रेशन करते हैं बाय यूजिंग पर्टिकुलर फिल्टर, और उस फिल्टर से हम सॉलिड पार्टिकल मतलब फिजिकल पार्टिकल तो सेपरेट आउट कर देते हैं, लेकिन वो जो लिक्विड होता है उसमें से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डेब्रीज होती हैं, फिर हम उसे उस लिक्विड को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे टैंक में, और वहां पे हम प्रोसेस करते हैं सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है,
जो भी सॉलिड पार्टिकल, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल फिल्टर हो गए वो तो अलग, लेकिन कुछ और सॉलिड पार्टिकल या तो सेल्यूलर डेब्रीज है या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो पूरा पूरा सेटल डाउन हो जाता है और उस इफ्लुएंट को हम ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम जो इफ्लुएंट ट्रांसफर करते हैं वो एरेशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं, और एरेशन टैंक में काफ़ी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस इफ्लुएंट में से बायोगैस प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं, और बायोगैस में मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो हाइड्रोजन से बनता है, ऐसे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और फाइनली उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। और उस प्राइमरी स्लज में से जो इफ्लुएंट है वो ट्रांसफर करते हैं हम एनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक में, और वहाँ पे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सबको किल किया जाता है, और फाइनली उस वाटर को एप्लीकेशन में, ह्यूमन यूज में लाया जाता है। तो इस सीवेज ट्रीटमेंट में से हम बायोगैस प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और सीवेज को भी ट्रीट कर लेते हैं। आजकल गंगा और यमुना एक्शन प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट के अंडर आते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट करने के लिए जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एसटीपीएस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। इस टॉपिक के बाद हमने देखा था बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स एज अ बायोगैस प्रोडक्शन। सो व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस इज जनरली कॉल्ड एज अ ग्रीन गैस, नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी गैस। व्हाई वी कॉल्ड ग्रीन गैस? बिकॉज इट हैज अ जीरो, इट क्रिएट्स अ 0% पॉल्यूशन। एंड इन बायोगैस प्लांट वी हैव टू क्रिएट अ बायोगैस प्रोडक्शन बाय यूजिंग अ गोबर और यू कैन से काउ डंग, एंड दिस कैन बी ओनली अवेलेबल इन द विलेजेस। देयरफॉर वी जनरली ओनली अवेलेबल इन विलेजेस, कहने तो से तो अच्छा ये बेटर ये होगा कि ये ज़्यादातर विलेजेस में मिलता है, और बायोगैस प्रोडक्शन भी हम विलेजेस में ही करते हैं। तो बायोगैस प्रोडक्शन का जो प्लांट होता है उसमें हम जमीन के अंदर 10 से 15 फीट अंदर एक खड्डा बनाते हैं, और एक साइड से हम काउ डंग ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और डाइजेस्टर टैंक में उसमें से 3 स्टेप में बायोगैस प्रोड्यूस होता है और गैस कलेक्ट किया जाता है। ये जो 3 स्टेप बायोगैस प्रोडक्शन होता है इसमें तीनों की तीनों स्टेप अनैरोबिक होती हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी अनैरोबिक है। पहली स्टेप में पॉलीमर का कन्वर्जन मोनोमर में होता है जिससे सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में मोनोमर का कन्वर्जन ऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, उसमें कन्वर्जन हो जाता है, और इसे करने के लिए एसिडोजेनिक बैक्टीरिया यूज में आते हैं, और फाइनली एसिटिक एसिड का कन्वर्जन बायोगैस में होता है, और ये कन्वर्ट करने के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया यूज होते हैं, एग्जाम्पल मिथेनोकोकस और मिथेनोस्पिरिलम, और उसके बाद हमारे पास बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस ऑयल और पेट्रोल की जगह पर हम यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, आजकल तो स्ट्रीट लैंप लाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे यूज़ है बायोगैस के। आफ्टर लर्निंग यू कैन से बायोगैस प्रोडक्शन वी लर्न माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट? व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म किल अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अ थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कॉटन प्लांट के ऊपर इंसेक्ट का ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और इंसेक्ट फिर वो क्रिकेट और बोलवर्म, वो काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं। बीटी नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस थुरेंजेंसिस, और इस बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर एक जीन्स होती है जिसे हम कहते हैं क्राइजिन। क्राइजिन ये टॉक्सिकेटेड जीन्स है, मतलब ये क्राइजिन जिसके अंदर चली गई उसके अंदर पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट करेगी, स्पेशली प्लांट और इंसेक्ट के अंदर। तो हम इस बैक्टीरिया को पानी में मिक्स करने के बाद कॉटन प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, और जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो ये बैक्टीरिया कॉटन बॉल के अंदर चले जाते हैं, और कॉटन बॉल के अंदर ऑलरेडी इंसेक्ट होते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया कॉटन बॉल के इंसेक्ट के अंदर चले जाते हैं, इंसेक्ट के स्टमक में आते हैं, तो इंसेक्ट के स्टमक के जो इपिथेलियल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और इपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो स्टमक डैमेज हो जाता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया इंसेक्ट को मार देते हैं। जैसे इंसेक्ट मर जाता है प्लांट की इन्फेक्शन रुक जाती है और आगे स्प्रेड ही नहीं होती। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया इंसेक्ट को मार के प्लांट को बचाते हैं। बैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट सेकंड और प्लांट थर्ड। यस, व्हेन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म किल अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। और हमने काफी सारे बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने देखा माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। वॉट इज बायो फर्टिलाइजर? द फर्टिलाइजर विच एक्चुअली फर्टिलाइजर का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल और एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस
ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। मार्केट में तीन प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाए, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजर। एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर जो काफी साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, इसके लिए काफी कम यूज होता है। दूसरा अर्थवर्म से बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, और तीसरा बायो फर्टिलाइजर जो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और तीसरा क्या फंजाई, इनमें से बनाया जाता है, इसे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और फंजाई, इट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर में राइजोबियम बैक्टीरिया, अजिटोबैक्टर बैक्टीरिया, अजोस्पिरिलियम बैक्टीरिया होते हैं। सियानोबैक्टीरिया में सियानोबैक्टीरिया खुद होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके एग्जाम्पल हैं एनेबिना, नोस्टॉक और ओसिलोटेरिया। फंजाई में माइकोराइजी होता है, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड माइकोराइजी। और दो प्रकार के माइकोराइजी होते हैं, एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजी। आपने रिविजन से पहले जो टॉपिक देखा वो वही था। यस, सो बायो फर्टिलाइजर। सो ये था हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हाउ बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू द ह्यूमन बींग। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे फायदे कारक हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में पैथोजेनी बैक्टीरिया की स्टडी नहीं की, हमने नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया की ज़्यादा स्टडी की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, इट वॉज अ रिविजन ऑन अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी और आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई। मैं हूं प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर वो 2020 में हो या 2021 में हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। हम आज इस चैप्टर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और सिर्फ एमसीक्यू मैं आपको उनके आंसर ही नहीं बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चंस बाय यूजिंग माय ग्राफिक टैबलेट। ओके, तो मैं मेरे ग्राफिक टैबलेट की मदद से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस्ट्रिक इंजुरीज। तो गैस्ट्रिक इंजुरीज क्या होता है, मतलब स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन्हें हम जस्ट बेसिकली कहते हैं गैस्ट्रिक इंजुरीज। सो मिथेनोजेंस आर दोस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। करेक्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस, तो ये तो आंसर होगा नहीं डेफिनेटली। देन लैक्टोकोकस, इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दैट। लैक्टोबेसिलस, सो एज आई टोल्ड यू, कर्ड इज कर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ अ लैक्टोबेसिलस स्पीसीज, एंड इट इज इवन दो कर्ड में हमने ये भी देखा था कि कर्ड ऑल्सो कंटेन विटामिन B12 एंड विटामिन सॉरी curd also contain vitamin B12 and vitamin B12 also increases the stomach related problems. So gastric injuries mein sabse important kya hoga, to answer will be C of this question, lactobacillus. Moving towards question number second question ki taraf aage badhte hain. Microorganism are useful in fermentation of dough for idli and dosa. So which organism is useful for this, all these things? As I told you, idli, dosa are basically the fermented food material, and they can be easily grow by use of yeast. And we know that yeast is a unicellular eukaryotic, but it is a fungi. Correct. So what will be the answer? Iska answer ho jayega B, fungi और फंगस। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आरी मींस, आरी एक्चुअली फुल फॉर्म इज इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो वेयर इट इज, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4,
फोर माइकोराइजी इज जनरली शोज, माइकोराइजी इज एक्चुअली, अब आप ये देखिए, ये है हमारे सामने एक प्लांट, ठीक है। अब ये प्लांट के ये जो रूट्स हैं, अगर इस रूट के ऊपर फंजाई होते हैं तो फंजाई का प्लांट के रूट के साथ जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसे हम कहते हैं माइकोराइजी। तो यहाँ पे देखिए, सिम्बायोटिक बिटवीन फंगस एंड प्लांट्स, सिम्बायोटिक बिटवीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बिटवीन फंगस एंड एल्गी, सिम्बायोसिस बिटवीन माइकोराइजी ऑफ फंगस एंड वाटर, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में, यहाँ पे देखिए प्लांट और बैक्टीरिया है, यहाँ पे फंगस और एल्गी है, यहाँ पे फंगस है लेकिन वाटर है, तो हमें फंगस और प्लांट ये चाहिए था, तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच एजर्शन इज करेक्ट, इट मीन्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट, देर इज रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इन डेवलपिंग बायोगैस टेक्नोलॉजी। बायोगैस टेक्नोलॉजी में जनरली किन का रोल होता है? बायोगैस टेक्नोलॉजी में आरी और केवी आईसी, आरी मतलब इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केवी आईसी खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बाय आरी, नहीं, आरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायो कंट्रोल एजेंट में आरी का कोई रोल नहीं इसमें। थर्ड, बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज ओवर केमिकल फर्टिलाइजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये हो सकता है क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर के कंपेयर में काफी यूजफुल है और उसमें से पोल्यूशन काफी कम होता है, नहीं के बराबर। फोर्थ, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज टू फॉर्म बायो फर्टिलाइजर, ऑब्वियसली रॉन्ग, आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन इज रिलेटेड विथ मोनोस्कस परपुरस। तो मैंने आपको कहा था कि एक ब्लड कोलेस्टेरोल लोअरिंग एजेंट होता है स्टेटिन, तो स्टेटिन मोनोस्कस परपुरस नाम के फंगस में से निकाला जाता है, सो दिस विल बी द आंसर डायरेक्टली स्टेटिन। क्वेश्चन नंबर सिक्स सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, वू हैज एस्टैब्लिश गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। सो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट हैज इंट्रोड्यूसेस यमुना, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान जस्ट टू मेक इट कंप्लीटली क्लीन। तो गंगा और यमुना नदी को प्रॉपर क्लीन रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान नाम की स्कीम निकाली हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, एसटीपी स्टैंड फॉर, सो एसटीपी मींस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट कमर्शियल लेवल ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड इन द सेंस ह्यूमन बींग के लिए कौन से, ह्यूमन बींग के लिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो अगर हम ये प्रॉपरली डिस्कस करें तो वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, बायोफ्यूल फ्यूल एट्रोपा नाम के प्लांट से बनते हैं, अल्कोहल ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं लाइक अ यीस्ट, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ऑल ऑफ द गिवन। So answer of question number 9 is D. Moving towards the question number 10. So which sentence is odd? Means we have to find out a different sentence compared to the all other. हमें इन चार में से एक थोड़ा अलग statement select करना है. Statin is useful to reduce blood cholesterol. Correct? मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें एक्चुअली गलत और सही नहीं निकालना है, हमें अलग सेंटेंस निकालना है। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूजफुल टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, दिस वन इज आल्सो करेक्ट।
Lipase is useful to remove oily stains. This is also correct. Chemical fertilizers are more better. ये देखिए, chemical fertilizers are more better than bio fertilizer. ये यहीं पे अपनी पूरी जो असलियत है क्वेश्चन की, वो यहीं पे ही बता दे रहा है. मतलब ये बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर से बेटर है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली कर रहे थे. बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर क्रिएट लेस पॉल्यूशन. नो, केमिकल फर्टिलाइजर क्रिएट्स व्हाट? मोर पॉल्यूशन कंपेयर टू द बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर के पॉल्यूशन होते ही कहाँ एक्चुअली. तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज डी. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. Which is correct sequence of purification process of treatment of sewage plant? मतलब सीवेज में हम जो प्रोसेस करते हैं उनमें से प्रॉपर ट्रीटमेंट कौन सी आती है. देखो पहले तो आपको ये दिखना चाहिए प्राइमरी स्लज. तो ये देखिए प्राइमरी स्लज ए और सी में. फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बैक्टेरिया. तो प्राइमरी स्लज जो होगा वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे है. फिर उसके बाद इफ्लुएंट, यहाँ पे भी इफ्लुएंट है. फिर बैक्टीरिया का जमा होना, कलेक्शन होना, फ्लॉक्स. सो फ्लॉक्स इज करेक्ट. एक्टिवेटेड स्लज बाद में आएगा. ठीक है, सो दिस सीक्वेंस ए इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. इफ्लुएंट मींस, इफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? सो इफ्लुएंट का मतलब होता है वॉटर रिमेनिंग अंडर प्राइमरी स्लज. नो, वॉटर रिमेनिंग ओवर प्राइमरी स्लज. तो प्राइमरी स्लज में जो पानी बच जाता है उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट. सो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 13. विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल एज बायो कंट्रोल एजेंट? सो बायो कंट्रोल एजेंट कैन बी सियानो बैक्टेरिया, बकुलो वायरस, ट्राइकोडर्मा. नो, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलस थुरिंजेंसिस. यस, तो ये देखिए ट्राइकोडर्मा हमने देखा है, बेसिलस थुरिंजेंसिस भी हमने देखा है, सुडोमोनास भी कहीं पे भी यूज होता होगा. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज बी. हमें ऐसे तीन बैक्टीरिया चाहिए थे जो बायो कंट्रोल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. बायो फर्टिलाइजर मीन्स क्रॉप विच शोज रैपिड ग्रोथ. नो, काउ डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑब्वियसली नो, प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ अनेबिनाइन. नो स्टॉक. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली क्या होता है बायो फर्टिलाइजर, कि हमने क्या देखा था बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं. बायो फर्टिलाइजर्स आर फर्टिलाइजर विच इज मेड फ्रॉम बैक्टेरिया, मेड फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मेड फ्रॉम फंजाई. दे आर सिंपली कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है ना एक. यस, क्वेश्चन नंबर 15. विच पेयर इज करेक्ट? हमें करेक्ट पेयर फाइंड आउट करनी है. यस, सियानोबैक्टीरिया, बायोपेस्टिसाइड. सियानोबैक्टीरिया तो बायो फर्टिलाइजर है, बायोपेस्टिसाइड थोड़ी ना है. माइकोराइजी, एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर. माइकोराइजी, एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर. सो यस, माइकोराइजी आर इन्वॉल्व इन एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर. तो ये यहाँ पे सेकंड वाला आंसर हो जाएगा. मतलब अगर हम ये देखें तो सेकंड किस में है, यहाँ पे आंसर, एक मिनट. लेकिन माइकोराइजी एब्सॉर्प्शन ऑफ सल्फर ये करते हैं, लेकिन उससे अगर हम आगे बढ़ें तो ये आंसर उससे भी बेटर है. देखिए बेसिलस थुरिंजेंसिस, बीटी, हमने क्या देखा था, बीटी बैक्टीरिया, द डीएनए ऑफ बीटी बैक्टीरिया है विच जीन, क्रायोजिन, एंड क्रायोजिन इज कंसिडर एज टॉक्सिकेटेड जीन. क्रायोजिन इज कंसिडर एज टॉक्सिकेटेड जीन. सो इसका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज ऑफ बीटी मींस बैसिलस थुरिंजेंसिस, कॉटन इज वाइडली कल्टीवेटेड इन दैट. बीटी मींस, तो बीटी का मतलब पूछा गया है,
bigger thread variety, no, produced by biotechnological enzyme restriction endonuclease, no, cotton seed treated with barium, no, BT contains endotoxin gene of Bacillus thuringiensis. Correct. So answer of question number 16 is D. Question number 17 की तरफ चलते हैं. Which gas is responsible for puff up appearance of dirt? तो मैंने आपको कहा था कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पफ अप अपीयरेंस ऑफ डर्ट. ये मैंने क्लियरली सेंटेंस लिखा भी था. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ए. क्वेश्चन नंबर 18. विच बैक्टीरियम हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज. तो एक्चुअली चीज ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं. प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी. प्रोपियोनी बैक्टेरियम शर्मानी प्रोड्यूसेस स्विस चीज. क्वेश्चन नंबर 18. मेथेनोजेनिक बैक्टेरिया प्रेजेंट इन. तो वेयर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट. दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एनएरोबिक स्लज बिकॉज मेथेनोजेनिक बैक्टेरिया आर एनएरोबिक बैक्टेरिया. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रूमेन विच इज अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल. सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी. ए इज ऑल्सो करेक्ट एंड बी इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज सी. क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 20. The technology of biogas production was developed in India mainly due to efforts of. तो किसके efforts से? तो मैंने आपको पहले भी कहा ये RE जो है और KVIC इनका जो main important role रहा है biogas production में. तो RE का full form होता है Indian Agriculture Research Institute और खाड़ी का होता है खाड़ी and village industrial. आगे commission नहीं लिखा हुआ है industrial. कमीशन. ओके. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज ए. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21. आईपीएम स्टैंड फॉर मींस आईपीएम इज. तो आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो दिस वन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22. योगर्ट एंड बटर मिल्क आर प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ. योगर्ट मतलब दही होता है लेकिन कुछ कंट्री में उसे योगर्ट कहते हैं. सो दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस बाय सैक्रोमाइसिस पेनिसिलियम नो एस्पर्जिलस नो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड बटर मिल्क. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज सी. क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज. साइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज. तो साइट्रिक एसिड इंडस्ट्री में कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर. ये मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. साइट्रिक एसिड मतलब ही विनेगर होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24. बायोगैस कंसिस्ट ऑफ. एक्चुअली बायोगैस कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज मीथेन एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन. तो हम लिखते ज्यादातर ऐसे हैं. यस सी एच फोर कार्बन डाइऑक्साइड. सी एच फोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो ये होते हैं तीन केमिकल. सो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 25. What are the advantages of गोबर गैस over conventional utilization? तो गोबर गैस के क्या फायदे होते हैं अगर हम ये सिंपली ये देखें. More efficient source of energy. Correct. काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है और काफी कम लागत में काफी कम पैसे में. Use as a good fertilizer. Yes. Biogas is also act as a fertilizer. Reduce the chances of spreading of pathogens. Correct. तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ अबाउट. सो क्वेश्चन नंबर 25 डी. तो चलो आधी जर्नी हम कवर कर चुके हैं 50 क्वेश्चन में से. अगर आप प्लीज हमारे चैनल पर नए और अगर आप ये क्वेश्चन को इजीली समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे. क्वेश्चन नंबर 26. विच रोल इज प्लेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन अवर स्टमक. तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फायदेकारक है तो इनका रोल ज्यादातर क्या होगा? बेनिफिशियल होगा. देखिए हार्मफुल होता है नहीं, न्यूट्रल न्यूट्रल भी नहीं, ऑल ऑफ अबाउट आएगा नहीं.
आंसर इज ए बेनिफिशियल. क्वेश्चन नंबर 27. द लार्ज वेसल फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन आर कॉल्ड. तो पेट्री डिश में तो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, डाइजेस्टर में तो हम बायोगैस प्रोडक्शन बनाते हैं, बायोगैस वेसल को ही हम डाइजेस्टर कहते हैं. फर्मेंटर इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑल्सो कॉल्ड यस बायोरिएक्टर. मुझसे कब एक दो स्टूडेंट ने पहले भी पूछा था कि सर बायोरिएक्टर के कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बायोरिएक्टर के कुछ एग्जाम्पल. दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और यह है डबल चैम्बर बायोरिएक्टर. ठीक है, तो ये वाले फर्मेंटर के नाम है. क्वेश्चन नंबर 28. द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड. ये हमने अभी देखा ना माइकोराइजी. सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा अलग था इससे. सो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज बी माइकोराइजी. क्वेश्चन नंबर 29. द एग्जाम्पल ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट. बायोकंट्रोल एजेंट के तो काफी सारे एग्जाम्पल देखे हमने, लेकिन फेमस जो था वो था बीटी. यस बैसिलस थुरिंजेंसिस. हाँ, बाकी क्वेश्चन बाकी जो बैक्टीरिया उनके बारे में आप जानते हो. इकोला बैक्टीरिया मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जनरली फाउंड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ नॉर्मल बैक्टीरिया. साल्मोनेला जनरली कॉजेस टाइफॉइड. सुडोमोनास बैक्टीरिया से ऑयल भी क्लीन किया जा सकता है सी लेवल का. चक्रवर्ती साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया होता सुडोमोनास की वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है. सो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 30. द जीन प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर. तो बायोफर्टिलाइजर में जो जीन थी वो थी निफ. निफ का मतलब था NI स्टैंड फॉर नाइट्रोजन एंड F स्टैंड फॉर फिक्सिंग. नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन. क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 31. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन. सो वेयर दे आर प्रेजेंट. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन सॉइल. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन थर्मल स्प्रिंग. थर्मल स्प्रिंग मतलब जो गर्म पानी का जो झरना वगैरह होता है वहां पे. ठीक है, तो जहां से नेचुरली गर्म पानी निकलता है. कई ऐसी जगह होती है जहां पे जमीन के अंदर सल्फर ज्यादा होने के कारण पानी वहां पे काफी हॉट वाटर निकलता है. तो ऐसी जगहों पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हम कहते हैं उनको. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. अगर आपको ये चीज नहीं पता हो तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, 1, 2, 3 ऐसे सिलेक्ट करोगे. लेकिन यहाँ पे आंसर क्या सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पे आंसर सिलेक्ट करना है 1, 2, 3, 4 ऑल. तो बैक्टीरिया सभी जगह पे पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड. तो ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे. टोडी तो एक फर्मेंटेड फूड है जो एक ड्रिंक के तौर पे यूज किया जाता है एज अ साउथ इंडियन ड्रिंक. लैक्टिक एसिड ये तो एक एसिड का प्रकार है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक. क्योंकि एंटीबायोटिक हम तभी लेते हैं जब हमें हमारी बॉडी में से बैक्टीरिया को मारना होता है. डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे पेनिसिलिन हुई, टेट्रासाइक्लिन हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, ये सब एंटीबायोटिक के टाइप है. क्वेश्चन नंबर 33. द बैक्टीरियम दैट कॉमनली लाइव्स इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन. मैंने अभी आपको कहा जनरली इकोला बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 34. फ्रॉम द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प नाइट्रोजन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम एटमोस्फियर. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एसिटोबैक्टर करते हैं.
राइजोबियम भी करते हैं, एजोस्पिरिलियम भी करते हैं, लेकिन लैक्टोबैसिलस ये तो कर्ड बनाते हैं, तो आंसर 1, 2, 3 ऐसा होना चाहिए। सो 1, 2, 3 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया, जो मेरा टॉपिक था माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, इसमें मैंने तीनों बैक्टीरिया के नाम लिखे भी थे व्हाइट बोर्ड पे, आप देख सकते हो पीछे जाकर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पेडीफिल्ड, तो ये भी मैंने बायो फर्टिलाइजर में लिखा था। ब्लू ग्रीन अल्गी BGA, also known as a cyanobacteria, ठीक है, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिखे थे cyanobacteria के, एक था जैसे अनेबिना, दूसरा था नोस्टॉक और तीसरा था ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये तीन क्या थे, ये तीन एग्जाम्पल्स थे। सो दिस इज यूजफुल फॉर पेडी, ठीक है, पेडी में सबसे ज्यादा सियानोबैक्टीरिया यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज सी, सियानोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 36, द सॉलिड विच सेटल आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आर कॉल्ड, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सेटल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 37, सेक्रोमाइसिस सर्विस इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ, सो सेक्रोमाइसिस सर्विस से हम इडली बना सकते हैं, बियर बनते हैं और ब्रेड फर्मेंटेशन में भी यही यूज होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, सेक्रोमाइसिस सर्विस मतलब समझ गए, सेक्रोमाइसिस सर्विस मतलब यीस्ट। ठीक है, जैसे हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, स्पिरुलिना इज अ यूज न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड एस, तो ये एक्चुअली न्यूट्रिशनल फूड कैसे है, क्योंकि स्पिरुलिना एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है जिससे हम क्या बनाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, फ्यूचर में सिंगल सेल प्रोटीन की वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, बायोरिएक्टर इज, बायोरिएक्टर मतलब फर्मेंटर, बायोरिएक्टर का मतलब क्या होता है, फर्मेंटर, मैंने अभी आपको उसके दो एग्जांपल्स बताए। तो ये देखिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, नहीं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो जनरली हम एंटीबॉडी के लिए हम यूज करते हैं। कल्चर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, नो। बैक्टीरियल कल्चर फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल, नो। बायोरिएक्टर का मतलब ही होता है फर्मेंटर टैंक। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड पता है आपको, ये जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है, तो सबसे पहला एसिड था ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, सो बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज ए एक्टिव टॉक्सिन इन बेसिलस, बैक्टीरिया के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव होता है। द कंसर्न बेसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, पहले से एंटीटॉक्सिन कैसे होगा, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर इन द ओवरीज ऑफ द पेस्ट to sterilize it and thus prevent the multiplication, नहीं, ये sexual process से कुछ संबंध नहीं इसका sterility से। तो ये देखिए, the inactive protoxin get converted into active form in the insect gut, और even though insect के gut के जो epithelial cell है वो destroy किए जाते हैं, so answer of question number 41 is D। question number 42, the excreta of cattle commonly called gobar is mainly rich in, तो सबसे ज्यादा इनमें क्या होते हैं, yes, तो सबसे ज्यादा इनमें होते हैं methanogens, मतलब methane containing bacteria, और bacteria which grow in methane, they are
मिथेनोजेंस। सो आप ये भी कह सकते हो मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोजेंस। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 43, स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज एज अ क्लस्टर सॉरी क्लोट बस्टर फॉर द रिमूविंग ऑफ क्लोट फ्रॉम ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये देखिए ये है हमारी आर्टरी, ठीक है, और आर्टरी के अंदर ये समझ लो आर्टरी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो ये वाली जो स्पेस होती है इसे हम कहते हैं लुमेन, जिसके अंदर से ब्लड जाता है। तो मान लो अगर कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर ऐसे पेशेंट को जनरली क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस देते हैं। क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ताकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक करे और हार्ट अटैक को बचा दे। हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये कहां से मिलती है, यस, ये कौन से बैक्टीरिया में से पाई जाती है, सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोबेसिला, करेक्ट। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 43 इज स्ट्रेप्टोबेसिला। क्वेश्चन नंबर 44, वॉक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी कहा स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एंटीबायोटिक। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जो किसने डिस्कवर की थी, यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वॉक्समैन ने क्या डिस्कवर किया हुआ था, एंटीबायोटिक, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को नोबेल प्राइज भी मिला था। आज तक स्ट्रेप्टोमाइसिन काफी इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 45, जर्मिनेटिंग बार्ली इज एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, तो बार्ली में से हम क्या बनाते हैं, बार्ली में से वाइन बनाई जाती है। बार्ली मतलब पता है, बार्ली का मतलब होता है, सॉरी बार्ली में से वाइन नहीं, वाइन डायरेक्टली ओरिजिनल ग्रेप्स में से बनाई जाएगी। तो वाइन जो है वो वाइन, वाइन की जगह पर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बियर। बार्ली ग्रेन्स ये किशमिश के जैसे रेजिन्स के जैसे कुछ होते हैं बार्ली, और उनको पानी में भिगोया जाता है फिर उसमें से बियर बनाई जाती है। वाइन तो डायरेक्टली ग्रेप्स में से बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू यील्ड अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय, सो दिस इज जनरली कैरिड आउट बाय जाइमेस एंजाइम। मैंने आपको कहा था कि स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमोलॉजी, जस्ट बिकॉज फर्स्ट एंजाइम यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट वॉज अल्कोहल एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जाइमेस एंजाइम। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 इज बी। क्वेश्चन नंबर 47, फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो ये मैंने आपको कहा था बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928 to 29, इस एक साल में डिस्कवर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, वो होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन दैट एक रूम के अंदर, ठीक है, एक रूम के अंदर 10 पर्सन है, ठीक है, तो 10 पर्सन है तो ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिमांड किसकी, ऑक्सीजन डिमांड पर्सन की ना, 10 लोगों की, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 लोगों की ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे अगर सिर्फ पांच ही, अगर वहां पे सिर्फ पांच ही लोग हैं, पांच ही पर्सन है, तो क्या होगा, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वहां पे अगर कोई भी नहीं, 0% है, 0%, तो बीओडी क्या होगी, बीओडी होगी डायरेक्टली 0। तो सेम वे हमारा अगर पानी पूरा फिल्टर हो गया है तो बीओडी 0 हो जाएगा। तो बीओडी से हम पता चला सकते हैं कि पानी फिल्टर है या नहीं। अगर बैक्टीरिया होते हैं तो बीओडी होगी, बीओडी अगर 0 है तो पानी एकदम क्लियर है। सो ये होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 49, बायोगैस प्रोडक्शन इज, बायोगैस प्रोडक्शन इज अ 3-स्टेप एरोबिक, नो, बायोगैस इज अ 3-स्टेप अनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है। हमने क्या किया था, ये देखिए, पॉलीमर गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, देन मोनोमर गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड,
और उसके बाद हमने क्या किया, एसिटिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। तो ये कितनी स्टेप थी, ये तीन स्टेप थी, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, और ये तीनों के तीनों एनएरोबिक होते थे। क्वेश्चन नंबर 50 विच इज लास्ट वन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर वन विच अटैक ऑन, तो वाइड रेंज ऑफ पैथोजन इसका आंसर हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ब्रॉड और नैरो का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक दो प्रकार की होती है, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, एक एंटीबायोटिक मैक्सिमम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है तो उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब वाइड रेंज को, और अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को किल करती है तो उसे हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम। यस, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है विच किल अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजन। तो ये था हमारा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जनरली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ नीट के स्टूडेंट को, अगर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, 9028179848। यस, थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।